हिस्ट्री का टॉपिक है, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि गवर्नर जनरल कौन था और उस समय कौन कौन से इवेंट्स हुए, वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड देखेंगे। तो बिना देरी किए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इस सीरीज में कर पाएं। तो एसएससी और बनडे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको, अगर उसको अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को एसएसआरबी को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो, जिसपे एसएससी एग्जाम्स और बनडे एग्जाम्स के ऑल प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्लियर है। ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट हैं आरबी की वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज होती हैं वो हजारों टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बैचेज हैं हमारे जिससे आप जुड़ सकते हो, ऑफिसर्स बैच जिसमें हम मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जो लोग इससे बैच से जुड़ जाते हैं उनके लिए डेली टारगेट ग्रुप स्टार्ट होता है जिसमें डेली टास्क दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से, जो जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग होती है और स्ट्रेंथन होती है। ये चीज़ें ऑफिसर्स बैच में सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बैच भी हैं, जैसे शुभम सर का द्रोणाचार्य बैच है मैथ के लिए, ऐसे अलग अलग जीएस और जीके के लिए रीजनिंग के लिए भी अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स की स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की ई बुक आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको पता है सबसे पहले जो गवर्नर भारत में आया, ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है हम किसी दिन एक टॉपिक लेंगे, पहले पुर्तगीज आएंगे उसके बाद डच आएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए इंडिया में, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच मतलब जो हॉलैंड या नीदरलैंड के हैं, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, ब्रिटिशर्स के बाद डेनिश आते हैं डेनमार्क के, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, फ्रांस के आते हैं, फ्रांस की कंपनी आती है। भारत में व्यापार करना इनका उद्देश्य था और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को भी इस्टेब्लिश कर दिया। पर्पज पहले शुरुआत में आने का क्या था इनका, भारत में व्यापार करना, क्योंकि भारत आपने सुना होगा हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब है कि भारत में संपन्नता थी बहुत, हम विदेशियों पर निर्भर नहीं थे, विदेशी हम पर निर्भर थे, यूरोपियंस आते थे यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे, मतलब हम एक्सपोर्टर थे, इम्पोर्टर नहीं थे। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी बहुत उपजाऊ थी, बहुत प्रोडक्शन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन रहता था, क्लियर है। साथ ही साथ भारत में कुटीर उद्योग, घर घर में स्मॉल इंडस्ट्री लगी हुई थी, ब्लेज इन कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई थी, ग्रामीण कुटीर उद्योग लगे हुए थे, बहुत बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन करते थे, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, हमारे देश को सोने की चिड़िया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम आज डिस्कस कर रहे हैं भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो आपको पता है प्लासी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, 1757 का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। तो वो उस समय कौन था गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपको पता है क्लाइव। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसका टाइम पीरियड 1757 से 60 तक, क्लियर है। 60 के बाद बेंसिटाट आ गया, लेकिन वापस लौटा ये 65 से 67 में। तो 1757 से 60 तक रहा ये गवर्नर, मतलब कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी, और उसके बाद 1765 से 67 इसके टाइम में क्या क्या हुआ। तो चूंकि ये पहला अधिकारी था तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इसे बोला जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर था ये। दूसरा, इसको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन का, सत्ता का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कि बैटल ऑफ प्लासी के समय गवर्नर कौन था, किसके समय हुई बैटल ऑफ प्लासी को, लीड किसने किया, तो यही था बैटल ऑफ प्लासी को लीड करने वाला, प्लासी के युद्ध के टाइम में गवर्नर यही था, क्लियर है। तीसरा, अगला, प्लासी के युद्ध के बाद आपको पता है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, अंग्रेजी सेना के बीच में, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला, जो उस समय
बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला। और आपने एक बहुत बड़ा बहुत टर्म सुना होगा मीर जाफर की, भाई मीर जाफर मत बन, मीर जाफर इस नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसका सेनापति था, उसका मिलिट्री का हेड था। और वो जाके किससे मिल जाता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। और जब उसका नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति ही अंग्रेजों से मिल गया तो इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है, मतलब बंगाल के नवाब की हार हो जाती है और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। और यहाँ से माना जाता है कि ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना शुरू हो गई, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया यहाँ से। तो 1757 का प्लासी का युद्ध। एक क्वेश्चन और पूछता है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उस समय भारत जो जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो इस समय मुगल सम्राट था, मैं यहां पे लिख देता हूं, आलमगीर सेकंड। ये उस समय जो 1754 से 1858 तक रहेगा, आलमगीर सेकंड। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे प्लासी के युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश सॉरी मुगल सम्राट कौन था, उस समय मुगल एम्परर कौन था? आलमगीर सेकंड जो 1754 से 1858 तक रहा। इससे पहले आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से कौन रहे? इससे पहले आलमगीर सेकंड से पहले अहमद शाह रहेगा, और अहमद शाह से पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, इससे पहले कौन था मुगल सम्राट? अहमद शाह। क्लियर है? 1749 से 54 तक अहमद शाह रहेगा। और अहमद शाह से पहले आपने बहुत फेमस सुना होगा 1748 से 54 तक, और उससे पहले मोहम्मद शाह रंगीला, मैं यहां पे हटा के लिख देता हूं थोड़ा सा, अहमद शाह 1748 से 54 और उससे पहले था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला उसको उपाधि दी गई थी, मोहम्मद शाह रंगीला, मतलब एक रंगीन मिजाज का मुगल एम्पायर था, एम्परर था, शासक था, मुगल सम्राट था 1719 से 48 तक, तो मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर है? ब्रिटिश के बाद यहां पे मैंने लिखा था कौन आया, डेनिस आया, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए, ये ऑर्डर था आने का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर सेकंड। और इसके बाद 59 से कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय आएगा। इसके बाद कौन आएगा? शाह आलम सेकंड जो 1759 से 1806 तक रहेगा, शाह आलम द्वितीय। क्लियर? तो ये मुगल सम्राट हैं, मुगल एम्परर हैं जो इस टाइम हुआ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्लासी का युद्ध। क्लियर है? प्लासी के युद्ध के बाद इसी के समय होगा, आगे चल के इस वायसराय जो है ये वापस चला जाएगा, सॉरी वायसराय कह नहीं, गवर्नर कहा जाता था इसे, गवर्नर ऑफ बंगाल जो 1760 में वापस चला जाएगा। 1760 में नेक्स्ट गवर्नर आएगा वेंस्टीटाट, कौन सा आएगा? तो इसके समय पर पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ये जो टाइम पीरियड है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके समय में जो चीजें हुई हैं उसको हम एक बार इसको देख लेते हैं। 1760 में 60 से 64 तक रहेगा वेंस्टीटाट। क्लियर है? और इस समय अब होगा क्या, जब नवाब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो फिर बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफर, क्योंकि अंग्रेजों का उसने साथ दिया, और मीर जाफर 1760 में हटा दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, फिर बनाया जाएगा मीर कासिम। तो वेंस्टीटाट जब आया तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। वेंस्टीटाट 1760 से 64 तक रहा। इसके समय में भी क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर 1764। किसके बीच में? एक तरफ था अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और सामने था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा। अब होगा क्या, मीर कासिम नवाब बनेगा बंगाल का, लेकिन मीर कासिम को भी फिर क्या कर देंगे, हटा देंगे और वापस मीर जाफर को फिर से नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, तो अंग्रेज प्लस मीर जाफर
और सामने था जो भगोड़ा नवाब था, जिसका नाम था बंगाल के भगोड़ा नवाब का, जो भाग गया था मीर कासिम, अंग्रेजों ने उसे हटा के भगा दिया था मीर कासिम, और ये अवध के नवाब नवाब शुजाउद्दौला का साथ लेगा, नवाब शुजाउद्दौला, और नवाब शुजाउद्दौला के साथ साथ इस समय जो जो मुगल सम्राट होगा उसका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय। तो ये वाला युद्ध पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि भैया बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 1764 में हुआ, सामने था अंग्रेज और मीर जाफर एक साथ थे बंगाल का नवाब, और यहाँ पर जो भगोड़ा नवाब था जो भाग गया था अंग्रेजों ने भगा दिया था जिसे, मीर कासिम, अवध का नवाब, नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी तो अंग्रेजों ने धोखे से जीता था, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला जो था उस समय उसके सेनापति, उसका जो आर्मी चीफ था उसी को अपने पक्ष में शामिल कर दिया, षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये अंग्रेज और मीर जाफर आम के सेना मिलके आमने सामने लड़ रही है इन तीनों सेनाओं से, और यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं था, आमने सामने का बैटल था, इसीलिए माना जाता है ये निर्णायक था, ये डिसाइडिंग युद्ध था, और यहाँ से ब्रिटिश शासन की एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम में हुआ, बेंसी टाट के टाइम में हुआ, याद रखना है। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटाट और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर क्लाइव, क्लियर है। दूसरा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल, सॉरी बंगाल का गवर्नर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, नीचे लिखा है मैंने। और प्लासी के युद्ध के समय 1757 में बंगाल का नवाब, नवाब सिराजुद्दौला, क्लियर है। वापस आते हैं पीछे, वापस इसके बाद कौन आएगा, देखो इसके बाद देखो कौन आएगा, 64 के बाद फिर से 65 में कौन आ जाएगा, वापस वापस आ जाएगा क्लाइव, वापस आएगा क्लाइव, वापस आएगा बक्सर के युद्ध के बाद, जो ट्रिटी होगी आपस में, संधि होगी, समझौता होगा, युद्ध रोका जाएगा, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के समय कौन बन जाएगा गवर्नर बंगाल का, कौन आ जाएगा वापस, क्लाइव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद की संधि के समय कौन था और बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बक्सर के युद्ध के समय बेंसिटाट था, और इलाहाबाद की संधि कौन करेगा आके 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है पहली और दूसरी, पहली ट्रिटी इलाहाबाद की और दूसरी, पहली ट्रिटी इलाहाबाद की होगी अंग्रेजों के साथ, मतलब रॉबर्ट क्लाइव, और सामने होगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी ट्रिटी किसके साथ होगी, इलाहाबाद की दूसरी सेकेंड ट्रिटी 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछता है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसिटाट, और जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर, और जब इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में, तो 1764 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी, तो इलाहाबाद की संधि के समय, इलाहाबाद की संधि के समय 1765 में बंगाल का नवाब, उसका लड़का, मीर जाफर का लड़का जिसका नाम था नजमुद्दौला, नाम क्या है, नजमुद्दौला, नाबालिग लड़का था जिसको अंग्रेजों ने बिठाल दिया, नाम था नजमुद्दौला। तो बंगाल का नवाब इलाहाबाद की संधि के समय कौन है, नजमुद्दौला, और बक्सर के युद्ध के समय इसका पिता मीर जाफर। अगला, जैसे ही बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बनेगा, चूंकि ये नाबालिग था, इसे कुछ नहीं आता था, बस अंग्रेजों ने बिठाल दिया था, दिखावे के लिए इसे बिठाल दिया था, शासन अंग्रेज कर रहे थे, जिम्मेदारी बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को दे दी गई, और सारी शक्तियां, सारे रिसोर्सेज अंग्रेजों ने खुद ले लिए, इसी को कहते हैं ड्वारकी, डायार्की, डायार्की मतलब द्वैध शासन। तो बंगाल में 1765 से शुरू हो जाता है क्या, द्वैध शासन, डायार्की, 1765 से 1772 तक चलेगा, जब वॉरेन हेस्टिंग आएगा तब तक चलेगा।
क्लियर है। तो बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। किस संधि के बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को बिठाएगा। जो बच्चा था, नाबालिग था, दिखावे के लिए नवाब था, लेकिन पीछे से शासन सरकार कौन कर चला रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव चला रहा था। तो यहां से बोला जाएगा कि फादर ऑफ डायार्की इन बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन का जनक था रॉबर्ट क्लाइव, जो 65 से 72 तक चलेगा, जब तक वॉरेन हेस्टिंग नहीं आएगा। अगला, इसने 3 सेंटर्स बनाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के, एक अलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है, दूसरा मुंगेर में जो बिहार में, और तीसरा बांकीपुर जो वेस्ट बंगाल में है। अगला, इस समय मैंने पहले ही बोला, इस समय जो पहले, जब चूंकि इस वाले टाइम पीरियड में ब्रिटिश, जब ये गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उस समय आलमगीर द्वितीय क्या था? मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने इसको कौन सी उपाधि दी थी भैया? उमरा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। देखो, आलमगीर सेकेंड का टाइम पीरियड 54 से 58 है, और ये पहली बार में आया था 57 से 60 तक। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद इसको मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने उमरा की उपाधि दी थी। तो ये हो गया वापस। चलिए, बेंसीटाट के बाद 65 में वापस आ जाएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब 65 से ये 67 तक रहेगा, क्लियर है। लेकिन वापस 67 से अगला चलते हैं, ये क्या है? कर्टियर। इसके बाद कौन है? कर्टियर, 69 से 72। लेकिन ध्यान रखना, बीच में एक और गवर्नर आया जिसका नाम था वेरलेस्ट। मैं लिख दे रहा हूं, जिसके टाइम में बहुत कुछ हुआ नहीं, इसीलिए उसको याद नहीं रखा जाता है, किताबों में लिखा भी नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर अगर देखना हो तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से, क्लाइव रहा 1757 से 60, क्लाइव के बाद बेंसीटाट आया 1760 से 64, वापस क्लाइव आया 1765 से 67, और क्लाइव के बाद कौन आएगा? वेरलेस्ट, बी लिख दे रहा हूं, वी 1767 से 69, और इसके बाद अब पांचवें नंबर पे आएगा कौन? कर्टियर आएगा 1769 से 72। इसके समय में 1770 में बंगाल में बहुत खतरनाक अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1785। तो ये क्या लेके आएगा? इसके टाइम में आएगा भैया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहां पे लिखा होगा, इसके टाइम में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट में अब तक जो हम बंगाल का गवर्नर कह रहे हैं, बंगाल का गवर्नर का जो पद था कंपनी में, अब उसे कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, और बंगाल का लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, जिसमें गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कंपनी का अब क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का, और फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। क्लियर है? अगला, इसने ड्यूअल रूल या डायार्की, जिसको ड्यूअल रूल या डायार्की अभी बोला है, देखो यहां पे डायार्की बोला है, नहीं बोला है, ये देखिए जो डायार्की, इसको क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया डायार्की को, द्वैत शासन को इसने क्या कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट लाके खत्म कर दिया। तो मैंने टाइम पीरियड बताया था, डायार्की का टाइम पीरियड क्या था? 1765 क्लाइव ने डाला बंगाल में, और कहां तक? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। तो द्वैत शासन की समाप्ति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला, इसने सुप्रीम कोर्ट में इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में किस एक्ट के द्वारा हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। और सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कलकत्ता में कौन बना?
उसका नाम था एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ये सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था उस समय अंग्रेजों के टाइम में। अगला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, और फिर 1784 का बहुत फेमस पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम में आया? 1784 का वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया। और ये उस समय पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। और यहां पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि भैया कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा। मतलब यहां से फिर से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन, डायार्की की, ड्यूअल रूल की स्थापना हो जाएगी। लेकिन ये वाला ड्यूअल रूल क्या होगा? एक बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, निदेशक मंडल होगा जो कंपनी को चलाएंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठेगा? इंग्लैंड में बैठेगा। इंग्लैंड में वहां की सरकार के लोगों का, उसी की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव का समूह होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा फिर से द्वैध शासन ला दिया गया जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। लेकिन वो द्वैध शासन अलग था और ये द्वैध शासन अलग। ये द्वैध शासन क्या है? एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठेगा, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें मंत्री होंगे, और एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे जो इंडिया में काम करेंगे, जो कंपनी के मामले तय करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल मामले वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इस तरीके से दो रूपों में दो अलग अलग पावर सेंटर हो गए जिसको द्वैध शासन कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या हुआ? नंद कुमार को, एक भारत के स्वतंत्रता संग्रामी है ना, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक नंद कुमार को फांसी दी गई, जिसे भारत में पहली जुडिशियल किलिंग कहा गया, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर या जुडिशियल किलिंग। नंद कुमार जी को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसे फर्स्ट जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसी के टाइम पीरियड में पहला मराठा वॉर होगा। मराठा वॉर किससे होगा? अंग्रेजों से, जिसको कहते हैं आंग्ल मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। टाइम पीरियड 1775 से 82, और जब युद्ध खत्म होगा तो संधि होगी ट्रिटी ऑफ सालवाई, सालवाई की संधि होगी युद्ध के बाद, है ना, ट्रिटी ऑफ सालवाई। तो ट्रिटी ऑफ सालवाई किससे संबंधित है? एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होगा। इसी के टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1780 से 1784, और आपको पता है इस युद्ध में मैसूर का शासक हैदर अली मारा जाएगा। इस सेकंड एंग्लो मराठा वार में हैदर अली मारा जाएगा, और कब मारा जाएगा लिख दे रहा हूं, 1782 में। और इसके मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनेगा टीपू सुल्तान, जिसको आप सब लोग सुना होगा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कब शासक बना मैसूर का? 1782 में, जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा जाएगा? इसका जो पिता होगा हैदर अली, वो युद्ध लड़ते हुए मारा जाएगा। और इसके बाद इस युद्ध में हार होगी मैसूर की, और उसके बाद संधि होगी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। अगला, इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा, लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम जोन्स के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, रिसर्च को बढ़ावा देने की वाली संस्था थी ये, एजुकेशन से संबंधित थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय, सॉरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहा, और बाद में एक साल के लिए वापस लौट के आया 1805 में। क्लियर है? इसको कहा जाता है, इसने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को सुधारा, पुलिस रिफॉर्म्स किए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को सुधारा, इसने पुलिस सुधार किए, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय,
और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ साथ इसने तीसरा जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, न्यायिक रिफॉर्म्स किए, न्यायिक सुधार किए। तो इसको तीनों का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि ये लेके आया कॉर्नवालिस कोड 1793 में, कॉर्नवालिस संहिता, कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, है ना। तो भारत में न्यायिक सुधारों का जनक माना जाता है, मैंने तीनों का पहले ही लिख दिया। दूसरा, फादर ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इसे, क्लियर है। और इसे ये माना जाता है कि रियल फाउंडर है ब्रिटिश रूल का इंडिया में, वास्तविक संस्थापक, केवल संस्थापक किसको बोला मैंने, क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को, और इसको रियल फाउंडर बोला जाता है भारत के, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में। इसके टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा 1790 से 92। इस टाइम पीरियड में मैसूर का शासक कौन होगा, टीपू सुल्तान, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में बना था। और इसके बाद संधि होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, किससे संबंधित है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ। और क्या हुआ भैया, इसने क्या इंप्लीमेंट किया, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर किसकी, इसने बोला जुडिशियल, जो जुडिशियल पावर होगी वो अलग होगी, इसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग होगी, मतलब जो कलेक्टर होगा उस कलेक्टर का काम क्या होगा, कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी जो आज के टाइम में बोला जाता है, उसका काम रेवेन्यू से संबंधित होगा, जबकि पुलिस व्यवस्था को पुलिस देखेगी। तो उसने पुलिस की पावर को अलग कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग कर दिया, जुडिशियल पावर को अलग किया, इसीलिए कहा जाता है इसने सेपरेशन ऑफ पावर को लागू किया। साथ ही साथ इसने एग्रीकल्चर, कृषि जो सुधार, सुधार किसके लिए, किसके पर्सपेक्टिव में, कोई भारत में अंग्रेज वेलफेयर के लिए नहीं आए थे, अंग्रेजों का पर्पस था भारत को लूटना, तो ये सुधार कह लो वो अंग्रेजों के हिसाब से सुधार हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सुधार हैं। इनके हर एक सुधार में अंग्रेज क्या करेंगे, भारत को लूटेंगे, क्योंकि वो लूटने आए थे उस समय, है ना। अंग्रेजों, अंग्रेज कोई ऐसा नहीं था कि भारत में कोई अच्छा शासन करने आए थे, वो भारत को लूटने आए थे, और आपको पता होगा लूट के चले गए, भारत सोने की चिड़िया था और भारत को बिल्कुल कंगाल करके चले गए 1947 में, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होंगे, तो आज़ादी के समय भारत बहुत गरीब हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज सारा रिसोर्सेज, सारा पैसा, सब धन संपत्ति लूट के जा चुके थे, क्लियर है। तो सुधार कह सकते हो, ये अंग्रेजों को पॉइंट ऑफ व्यू से सुधार है, ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया, कृषि सुधार अपनाते हुए स्थायी बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ, किसके टाइम में, कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, मतलब जमींदारों को अधिकार दे दिया गया लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का। जब तो जमींदारों ने सारी जमीन पे कब्जा कर लिया और किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए, किसान केवल मजदूर बन के रह गए, सारा कब्जा जमींदारों का हो गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। अगला लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कई को एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकमात्र गवर्नर है, गवर्नर जनरल या वायसराय कुछ भी कह लो, आगे जो नाम चेंज होंगे, एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय इंडिया में, इंडिया में जो आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जिसकी समाधि, जिसकी कब्र भारत में है। भारत में कहां पर है इसकी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर यूपी भारत में है। चलो अगला आएगा क्या, 1793 से 98 तक जॉन शोर, इस समय, इसके टाइम में पहला चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, चार्टर एक्ट भारत में भारत के इतिहास में चार चार्टर एक्ट आए, कितने चार्टर एक्ट, चार। पहला 1793 में हर एक 20 साल पे आया, फिर 1813 में, फिर 1833 में, और फिर 1853 में, ये चार चार्टर एक्ट आए, क्लियर है। चार्टर एक्ट थे क्या, कंपनी को 20 साल का अधिकार देते थे ये चार्टर एक्ट, देखो 20 साल के लिए कंपनी को भारत में व्यापार करने का, तो एक प्रकार से ट्रेड राइट था ये,
डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड राइट्स रिलेटेड टू ट्रेड राइट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट। अगला, इसके टाइम में निजाम और मराठों के बीच में जो निजाम है आपने सुना होगा कहाँ के, हैदराबाद के निजाम, निजाम उल मुल्क नाम सुना होगा निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई होगी 1795 में। अगला, शिशुवध को रोकने के लिए, है ना, शिशुवध, क्लियर है, रोकने के लिए 1795 में इसके टाइम में क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तो शिशुवध प्रथा को खत्म किसने किया, जॉन शोर ने। तो याद रखना है शिशुवध प्रथा को किसने खत्म किया, जॉन शोर ने। अगला, लॉर्ड वेलेजली सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी ट्रिटी या अलायंस भी कहते हैं, ध्यान रखना, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि कहते हैं, सहायक संधि आप जानते हो, सहायक संधि के अंतर्गत इसने क्या किया, इसने बोला राज्यों से बोला कि तुम अपने यहां हमारी सेना रख लो जिससे तुम्हारी सुरक्षा होगी, उसके बदले में खूब पैसा लेता था, एक प्रकार से समझौता करा लेता था, मजबूर कर देता था सेना रख के राज्य में। अब भैया राज्य में सेना किसकी है, अंग्रेजों की, तो सेना जिसकी होगी रूल वही तो करेगा, इंटरफेयर करेगा, बोलता था कि नहीं सेना आपकी सुरक्षा के लिए होगी, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सेना इनडायरेक्टली उस राज्य पर, उस समय जो रियासत थी, राज्य था, उस पर क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। और दूसरा, सेना में खर्चे के लिए तमाम बड़ा चढ़ा के खर्च बताया जाता था, खर्च हुआ मान लो 1 करोड़, बताया 10 करोड़, इस तरीके से एक प्रकार से उस समय वो रियासत जो थी, जो इसकी सहायक संधि में शामिल हुई थी, उनको लूटना इसका पर्पस था, इससे रियासतें क्या हो गई, कमजोर होती चली गई। तो सहायक संधि इसीलिए माना जाता है, सहायक संधि के द्वारा भी इसने ब्रिटिश शासन को बहुत मजबूती प्रदान की। तो सहायक संधि का जनक था कौन भैया, सब्सिडी अलायंस का लॉर्ड वेलेजली, और ये कहता क्या था स्वयं को, लाइन ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लाइन ऑफ बंगाल किसे कहा जाता था, लाइन मतलब शेर, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था, क्लियर है। अगला, इसी के समय चौथा आंगल मैसूर युद्ध होगा 1799 में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाएगी, ये लिखा भी है, टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी, इस युद्ध में किसकी मौत हो जाएगी, टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी इस युद्ध में। और ये इस युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे किसको, मैसूर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइम में फिर क्या होगी, बसीन की ट्रेटी होगी, बसीन की संधि होगी 1802 में मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। एक प्रकार से यहां पर जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, आपने सुना होगा, ये पेशवा बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव जो चाचा थे, असली पेशवा जो उस समय था उसके चाचा रघुनाथ राव थे, उन रघुनाथ राव से मिलकर अंग्रेजों ने उनके लड़के बाजीराव सेकंड को पेशवा घोषित करवा दिया, और फिर ट्रिटी कर ली इसने अंग्रेजों से, एक प्रकार से इनडायरेक्टली अंग्रेजों के सामने मराठा, उस समय जो मराठा एम्पायर था उसको धोखा दिया इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर। अगला, इसी के समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगा 1803 से 1805 के बीच में, एंग्लो मतलब अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच। अगला, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया 1800 में, जिसका पर्पस था कि जो आईएएस मतलब उस समय इंडियन आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, इसके ऑफिसर्स को क्या किया जा सके, ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया। अगला, 1799 में इसने पहली बार प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, मतलब अखबार पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा दी कि जो भी छापा जाएगा वो इसकी मर्जी से छापा जाएगा। सेंसरशिप का मतलब होता है, मतलब कंट्रोल कर लेना अखबारों की, जहां अखबार छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस पर और पत्रिकाओं पर कंट्रोल कर लेना, तो इसको माना जाता है कि इसने सेंसरशिप को पहली बार इम्पोज किया, तो फादर ऑफ सेंसरशिप कहा जाता है, क्लियर है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कहां तक, लॉर्ड
बेलेजली तक। कहां तक भैया? लॉर्ड बेलेजली 1805। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1805 के बाद जो गवर्नर जनरल या वायसराय आगे पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगेगा, वो जो आए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तेजी से हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, डिस्कस कर चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव था। अगला, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर भैया बैंसी टाट था, ये सब डिस्कस कर चुका हूं। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो उनका अधिकारी। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर, मैंने फिर बोला वापस कौन आ जाएगा, लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन जनक, आपको पता है लॉर्ड क्लाइव आंसर है। अगला, बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे माना जाता है, पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग ने किया। अगला, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, बता दो भैया, इस समय 84 क्या 85 तक वॉरेन हेस्टिंग ही तो रहेगा। क्लियर है, ये सब डिस्कस कर चुका हूं इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। बाद में किस गवर्नर जनरल के समय 1774 में, तो आपको पता है 1772 से 85 तक कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी, चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन, एलिजा एम पे, ये सब डिस्कस किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा, अभी मैंने लिखवाया था, विलियम जोन्स के द्वारा। अगला, बेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य, बेलेजली की सहायक संधि अभी मैंने डिस्कस की, और ये पूछ रहा है कौन सा राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि को पहली बार, मतलब सबसे पहले अपनाया, आंसर क्या है, हैदराबाद। कब, 1798 में, निजाम है ना, निजाम शासन कर रहे थे इस पे, है ना, हैदराबाद के निजाम, सुना होगा। हैदराबाद के बाद दूसरा नंबर किसका था, मैसूर, 1799 में, पता ही है ना, टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, एंग्लो मैसूर वॉर में, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हो रही थी, कब, 1784 में, गवर्नर जनरल, अरे बता दो, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय लोक सेवा का, इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस किसने, भारतीय लोक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अरे बोल दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किसने किए, लॉर्ड पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के समय में ही तो हुए। अगला, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापन करने के लिए किसने शासन में सहायक संधि, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस किसका है, लॉर्ड बेलेजली का। चलो, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, कौन सा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसपे क्या चलाया गया भैया, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, आंसर बताओ भैया, कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत में, कॉर्नवालिस है ना, गाजीपुर में, और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय जिस पे मुकदमा चलाया गया महाभियोग का उसके पद से हटाने के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर में, अभी मैंने बताया। अगला, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बैटल ऑफ बक्सर कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो। अगला, एंग्लो नेपाली वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड बेलेजली। और अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है बताओ भैया, लॉर्ड बेलेजली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, सही है ये नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अभी हमने देखा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब होगा, 1803 से 1805 में, तो थर्ड इसके बाद ही तो होगा। और भैया कॉर्नवालिस कब आया है, कॉर्नवालिस आया है 1786 से 93, तो यही तो होगा जो गलत मैच है, बाकी सब ये भी सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स आगे पढ़ेंगे, जो एंग्लो नेपाल वॉर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, सुगौली की संधि भी।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आंसर लगा दो। बाद में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1774 में, बताओ भैया कब? रेगुलेटिंग एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट। ड्वेर की पिट्स इंडिया एक्ट, बोलो भैया आंसर क्लियर है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, कहाँ पे हो रहा है? बंगाल में पहली बार स्थापित हुए अंग्रेज, तो कहाँ पे होगा? बंगाल में ही होगा, बोलो भाई। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया, मैंने बोला प्लासी का युद्ध तो था, लेकिन प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ मिलकर, जो सिराजुद्दौला का क्या था, नवाब सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था, सेनापति था, उसके साथ मिलकर किया, इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक जीता था। लेकिन आमने सामने के बैटल में कौन सा जीता उन्होंने? बक्सर का युद्ध जीता 1764 में। तो बक्सर का युद्ध माना जाता है क्या था भैया? निर्णायक साबित हुआ। अगला, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, डिस्कस कर चुका हूं मैं, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के समय उसका पुत्र नजमुद्दौला। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, बताओ भैया? हैदर अली ने हरा दिया है ना, हैदर अली उस समय शासक था, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। अगला, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हरा दिया, पोर्टनोवा के युद्ध में हरा के उस समय ब्रिटिश हैदर अली मारा गया 1782 में, पोर्टनोवा के युद्ध था और लीड कर रहा था सर आयर कूट, अधिकारी था ब्रिटिश अधिकारी सर आयर कूट। कौन सा युग सही नहीं है? हेक्टर मुनरो, इसको हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा आ गया आंसर कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासन में स्थाई परमानेंट सेटलमेंट, अभी मैंने पढ़ाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़िए, स्थाई बंदोबस्त किसके साथ शुरू किया गया, आपको पता है कौन? जमींदारी प्रथा, इसी को तो बोला था मैंने लैंड होल्डर्स, बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने, लैंड लॉर्ड्स ने या लैंड होल्डर्स ने क्या किया, कब्जा कर लिया जमीन को, किसानों से जमीन को छीन लिया था इस व्यवस्था के अंतर्गत, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया, आंसर 93 में। अगला, सिविल सर्विस का जन्मदाता, फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म से लेके हर चीज का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, चलिए मैच द कॉलम करना है, कौन सा सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्टर एक्ट आया नहीं, जॉन सोर के समय आया। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया? इसके टाइम पे आया। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया? नहीं आया, सॉरी आया 1784, याद करो। तो कौन सा आंसर सही है? एक ही आंसर सही है, ओनली 3। अगला, किसके टाइम में क्या क्या हुआ है ना, चलिए क्या करना है हमें, कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय घेरे की नीति, घेरे की नीति एनसर्किलमेंट या रिंग ऑफ फिंस कहते हैं इसे, रिंग ऑफ फिंस, मतलब जो, चूंकि इस समय अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो जिन राज्यों को, जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने कब्जा लिया था उनको बना के रखना था, तो उसके आसपास के जो उस समय के शासक थे उनसे क्या कर रहे थे, ये अच्छे संबंध डेवलप कर रहे थे, उनसे ट्रिटी कर रहे थे। जैसे 1765 की इलाहाबाद की ट्रिटी करेंगे, सेकंड इलाहाबाद की ट्रिटी क्या होगी 1765 में? क्लाइव करेगा किससे? अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। तो रिंग ऑफ फेंस वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बेलेजली से संबंधित है सब्सिडरी अलायंस, ये हमने पढ़ा अभी, सहायक संधि नीति। और डलहौजी आगे पढ़ेंगे, डलहौजी थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसने कई राज्यों को हड़पा, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों गलत हैं मैच, तो एक ही गलत सही है, आंसर हो जाएगा क्या? वन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डिस्कस कर दिया, विलियम जोन्स। ब्रिटिश भारत का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, बता दो भैया? लॉर्ड, बता दो भाई कौन सा है? डलहौजी, कॉर्नवालिस, बेलेजली, बोलो। बंगाल का शेर अभी हमने पढ़ा, बेलेजली। किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर पहली सेंसरशिप, अभी हमने पढ़ा, बेलेजली। अगला, 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, मैंने अभी बताया, जॉन शोर। क्लियर है, चार्टर एक्ट क्या था, क्यों आया, ये भी बता दिया, किसके द्वारा? विलियम जोन्स। ये कई बार रिपीट हो गया, मिस प्रिंट हुआ है, को डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1798 से 1805, है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1798 से 1805 के बाद आएगा जॉर्ज वार्लो,
अगला वाइस जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, जॉर्ज वॉर्लो। और इसके समय क्या होगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, बहुत फेमस विद्रोह है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिपाही म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर 1806 में होगा इस गवर्नर जनरल के टाइम में। इसके बाद आएगा लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, और 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, क्योंकि लॉर्ड मिंटो सेकंड भी आएगा उसके बाद, ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है ध्यान रखना है। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। महाराजा रणजीत सिंह आपने सुना होगा, पंजाब के शेर कहा जाता था इन्हें, है ना, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि साइन करेंगे 1809 में अंग्रेज, जिसमें कहेंगे कि जो ब्यास नदी है पंजाब में, अंग्रेजों ने ये मान लिया, इस अंग्रेजों ने एक प्रकार से इस संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था कि भैया हम ब्यास नदी से पश्चिम की ओर नहीं बढ़ेंगे, अंग्रेज ब्यास नदी से पूरब की ओर ही रहेंगे, ब्यास नदी से पूरा पश्चिम का, ब्यास नदी से पश्चिम का पूरा पाकिस्तान तक पूरा जो था लाहौर और जो है पंजाब लाहौर, ये सब एरिया महाराजा रणजीत सिंह के शासन वाला एरिया होगा, जो इस बात को अंग्रेजों ने इस संधि में मान लिया। इस संधि का नाम है ट्रिटी ऑफ अमृतसर, बहुत फेमस है, किसके बीच, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, कब, 1809 में। अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा 1813 से 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में क्या होगा, पहला एंग्लो नेपाल वॉर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16, और इसके बाद सुगौली की संधि कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ट्रिटी ऑफ सुगौली 1816, और इस ट्रिटी के द्वारा नेपाल में एक ब्रिटिश अधिकारी को क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा, एक प्रकार से इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के लिए, उस समय नेपाल का शासक था तो नेपाल के शासक और अंग्रेजों के बीच होगी, लॉर्ड हेस्टिंग के बीच ये संधि होगी, और नेपाल में एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इस संधि में, मान लेगी नेपाल के शासक की सरकार, और इस तरीके से वहां पर एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति कर दी जाएगी। अगला इसी के टाइम में होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1816 से 1819, और इस एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठों की हार हो जाएगी, और मराठा शासन पे शासक जो मराठा साम्राज्य था वो भी अंग्रेज उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ये आखिरी वॉर था, ये लास्ट वॉर था मराठों का अंग्रेजों के अगेंस्ट, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके टाइम में शुरू होगी, और 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू होगी। ये दोनों व्यवस्थाएं किससे संबंधित हैं भैया, एग्रीकल्चर से। जैसे हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस ने शुरू की थी क्या, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को सारे अधिकार दे दिए गए थे, किसानों को भूमिहीन बना दिया गया था। तो दूसरी व्यवस्था रैयत, रैयत कहते हैं किसको, किसान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत मतलब किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है अंग्रेजों से, मतलब सीधे वही क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर का रेवेन्यू पे कर रहा है, राजस्व को भुगतान कर रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था, महल मतलब गाँव, तो गाँव का जो सरपंच होता था उसको नॉमिनेट कर दिया था अंग्रेजों ने कि तुम इनसे किसानों से कलेक्ट करोगे एग्रीकल्चर का जो लगान है, जो वसूली है एग्रीकल्चर की, रेवेन्यू है, और उसको अंग्रेजों के पास जमा करोगे। तो महल वाली व्यवस्था में महल का जो गांव का सरपंच होता था उसको एक मीडिएटर के रूप में अंग्रेजों ने अथॉरिटी दे दी थी। लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में भूमि किसके पास थी, किसान के पास, जबकि कॉर्नवालिस की परमानेंट सेटलमेंट में भूमि पूरी जमींदार के पास चली गई थी, किसान वहाँ पर भूमिहीन हो गया था। इसी के समय पर टिनेंसी एक्ट आएगा 1822 का, कहाँ पर, बंगाल में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया टिनेंसी एक्ट बंगाल में कब आया, लागू किया गया 1862 में, इसी के टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, और इसके टाइम में पहला एंग्लो बर्मीज वॉर होगा, बर्मा मतलब म्यांमार, एंग्लो म्यांमार वॉर होगा, और इस वॉर के बाद यानदबू की ट्रिटी होगी 1826 में, कोई ट्रिटी बहुत बार पूछी हुई है, यानदबू की ट्रिटी किस वॉर से संबंधित है, कब साइन की गई, किस वॉयसराय या गवर्नर जनरल के टाइम में साइन की गई।
अगला, इसी के समय 1824 में बैरकपुर का, बैरकपुर मतलब पश्चिम बंगाल में सैन्य विद्रोह होगा, सिपाही वहां पे विद्रोह करेंगे ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट। और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ भरतपुर, 1823 में भरतपुर जो राज्य था उसको, भरतपुर जो रियासत थी उस पर कंट्रोल कर लेगी ब्रिटिश कंपनी 1823 में। क्लियर है। अगला लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्यों क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसके समय 1800, इसका समय 1828 से 35, सती प्रथा इसी ने खत्म, किसी के टाइम में खत्म हुई, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से खत्म हुई सती प्रथा। क्लियर है। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, और इस चार्टर एक्ट की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन सा एक्ट, 1833। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, कि केवल भारत में अंग्रेज शासन ने कहा, अंग्रेज जो सरकार थी, ब्रिटिश अंग्रेज इंग्लैंड में जो सरकार थी उसने कहा कि कंपनी का काम अब केवल शासन करना होगा, व्यापार वहां पर कोई भी अंग्रेजों की कंपनी कर सकती है, मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार थे, मोनोपोली थी उसकी, अकेले को उसको अधिकार मिले हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ओपन कर दिया था, फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना ली थी, कौन सी पॉलिसी, मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता था, अंग्रेजों ने ये अपनाई और कहा कि अब कंपनी का काम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम केवल भारत पर शासन करना होगा, इस तरीके से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गए। 1829 में सती प्रथा खत्म कर दी जाएगी, कानून बना दिया जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। 1830 में कर्नल स्लीमैन, याद रखना है ये ठगी प्रथा को खत्म करेंगे इसके टाइम में, इसी के टाइम में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 1834 में इसी विलियम बेंटिक के टाइम में पहला लॉ कमीशन आएगा, विधि आयोग आएगा, जिसका अध्यक्ष होगा कौन, लॉर्ड मैकाले, मैकाले कमीशन भी कहते हैं, भारत का पहला विधि आयोग, जिसने, विधि आयोग का पर्पस था भारत में कानूनों का निर्माण करना, संहिता का निर्माण करना, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, और इसी के, इसी कमीशन की सिफारिश पर जो आईपीसी अभी भी भारत में लागू है, आईपीसी 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, ये बनाई किस कमीशन ने थी, मैकाले कमीशन ने थी, इसीलिए कहा जाता है कि जो आज के टाइम में भारतीय दंड संहिता है ये अंग्रेजों के टाइम की संहिता है 1860 की, जिसको लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पे तैयार किया था। अगला, एक नई प्रेसिडेंसी बनाई जाएगी 1834 में, आगरा प्रेसिडेंसी, ये क्वेश्चन पूछा गया कब बनाई गई। नेक्स्ट, कुप प्रशासन के आधार पर किसको, है ना, कुप प्रशासन के आधार पर मैसूर राज्य को 1831 में, और उसके बाद कुर्ग को, और उसके बाद कछार को, इन रियासतों को इस विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया, पूर्णतः विलय कर लिया, जबकि बेले जली क्या करके गया था, मैसूर से सहायक संधि करके गया था, सब्सिडरी अलायंस करके गया था, अब यह पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा कि भैया आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पा रहे हो। इसके बाद आएगा लॉर्ड मेटकॉफ, क्लियर, लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, फादर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, प्रेस सेंसरशिप को इसने खत्म कर दिया जो बेले जली ने लगाई थी, लॉर्ड बेले जली ने, और इसको इसने, लॉर्ड मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42, और इसके समय में होगा क्या, आंगल अफगान वॉर 1839 से 42, क्लियर है। अच्छा, अफगान के संबंध में अपनाई गई पॉलिसी का नाम होता है, कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, क्या कहते हैं,
फॉरवर्ड पॉलिसी, याद रखना है फॉरवर्ड पॉलिसी अफगान के संबंध में। तो इसके टाइम में पहला अफगान वॉर होगा, एंगल अफगान वॉर 1839 से 1842 में। शेरशाह सूरी जो रोड है जो पेशावर पाकिस्तान से कलकत्ता तक आता था, जिसको आज के टाइम में इसी ने नाम बदल के कर दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, किसने किया है? ऑकलैंड ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला, 1838 में ऑकलैंड और रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अफगान शासक शाह सुजा के बीच में एक ट्राइलेटरल, क्लियर है, एक ट्राइपार्टी संधि होगी, ट्रिटी होगी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में। नेक्स्ट, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 के बीच में, इन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता है, बहुत जल्दबाजी में बुढ़ा, बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो जल्दबाजी में है। सिंध का इन्होंने भारत में, मतलब ब्रिटिश इंडिया में विलय कर लिया 1843 में। दास प्रथा इन्होंने खत्म कर दी लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में। देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के लिए इन्होंने थॉम्पसन योजना बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के लिए थॉम्पसन योजना बनाई, क्लियर है। अगला, लॉर्ड हार्डिंग, नाम है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ पहला युद्ध होगा अंग्रेजों का, और इस युद्ध के बाद संधि होगी जिसका नाम है लाहौर की संधि 1846। अगला, खोंड ट्राइब, ट्राइब का नाम है खोंड, खोंड ट्राइब में नरवली प्रथा थी उसकी समाप्ति होगी। और तीसरा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाएगी ब्रिटिश इंडिया की सरकार लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, है ना, फीमेल जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर रोक लगाई जाएगी। अगला, लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा आपने, हड़प नीति, थ्योरी ऑफ लैप्स, इसके टाइम में द्वितीय आंग्ल सिख वॉर होगा 1848-49, और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश इंडिया में ये डलहौजी क्या कर लेगा, विलय कर लेगा, ब्रिटिश शासन में विलय कर लेगा। सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर होगा इसके टाइम में 1851-52 में, और पेगू का, लोअर बर्मा और पेगू पर कंट्रोल कर लेंगे ये अंग्रेज। और इम्पॉर्टेंट है, बुड डिस्पैच आया जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कॉमा लगा लेना यहाँ पे, दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ, क्लियर है, ये थोड़ा सा दो चीज़ों को मिक्स हो गया है, इसको हटा दो, मैंने थ्योरी ऑफ लैप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ लिखवा दिया है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसको हटा देते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, क्लियर है। इसके टाइम में 1853 में पहली ट्रेन चलाएगी, कहाँ से, बॉम्बे से ठाणे के बीच में, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाएगी। इसी के टाइम में पहला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PW, आपको पता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के टाइम में की गई। इसी के टाइम में इंडिया के पोर्ट्स को ओपन कर दिया गया विदेशी व्यापार के लिए, क्लियर है। अगला, सिक्किम का भारत में इसके टाइम में विलय हुआ, इसने शिमला को उस समय ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। इसने सैन्य विभाग को पब्लिक डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, सार्वजनिक विभाग से अलग कर दिया, और इसने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, पत्र संचार के लिए पहली लाइन इसके टाइम में पड़ी जो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच थी, क्लियर है, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, जो डाक विभाग होता है ना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्लियर है। तो ये हमने डलहौजी के टाइम तक होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को क्या कर लिया, डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर। पहला, कुप्रशासन के आधार पर, मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ना होना, कुप्रशासन के आधार पर, मल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर
किस गवर्नर जनरल ने मैसूर, और केवल मैसूर नहीं, मैंने बताया कुर्क को और कछार को भी मैसूर को इससे पहले सायक संधि के जरिए शामिल किया था, जब टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी चौथे आंगल मैसूर वॉर में 1799 में, लॉर्ड बेलेजली, सब्सिडरी अलायंस। आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगों के दमन को किससे संबंध, किसने कहा ठगों का दमन किया? आपको पता है ठगी प्रथा, कैप्टन सिलीमैन। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एमहर्स्ट। अभी हमने डिस्कस किया अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय। ये देखिए लॉर्ड एलनबरो, जिसको कहा जाता है ओल्ड मैन इन अ हरी, दास प्रथा खत्म की इसने, सिंध का विलय किया 1843 में। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय किसके टाइम में हुई बताओ भैया? लॉर्ड एलनबरो कब? 1843। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में डलहौजी ने, जो कहां से कहां तक चली? बंबई से ठाणे तक चली, है ना? बॉम्बे से ठाणे 1853 में, लॉर्ड डलहौजी। अगला, रॉबर्ट क्लाइव भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था? गलत, पहला गवर्नर था बंगाल का, क्लियर है? और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1833, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बोला जाना लगेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गलत, दूसरा सही हो गया, ओनली टू सही है, ओनली टू सही है, क्लियर है। सती प्रथा पे पाबंदी, विलियम बेंटिक, पता है आपको 1829 किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा, अभी मैंने पढ़ाया लॉर्ड एलनबरो, दास प्रथा को इसने क्या किया? खत्म किया, लॉर्ड एलनबरो। अगला देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट 1793, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेंटिक सती प्रथा को खत्म किया 1829, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन 1854, मैग्ना कार्टा बुड डिस्पैच, लेकिन वो लॉर्ड कैनिंग नहीं है, लॉर्ड डलहौजी है, तो ये भी गलत हो गया। और लॉर्ड नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो कौन सा मैच नहीं है? ए भी मैच नहीं है और डी भी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर प्रशासकीय आदेश जारी किया, मतलब प्लान डेवलपमेंट, नगरों का नियोजन कैसे किया जाए? तो उसके लिए आंसर क्या है? बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने यह काम किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो आपको पता है 1853 में भारत में पहली रेलवे चली बंबई से ठाणे, है ना? और कौन था इस समय 1853 में? आपको पता है 48 से 56, लॉर्ड डलहौजी। अगला, भारत में पुलिस व्यवस्था कॉर्नवालिस, बिल्कुल बात अच्छी बात है, ICS एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म उसी ने किए। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था, जब पुलिस रिफॉर्म कॉर्नवालिस कर रहा है तो थानों की व्यवस्था इसके टाइम में तो नहीं होगी। तो आंसर दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? पहला सही हो गया। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सी भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई? बिल्कुल सही बात है। इनके शासन में भारत में विद्युत तारपत्र की शुरुआत हुई। अभी आपने देखा भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग,
ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए, देखिए डेलॉजी के टाइम में, ये देखिए आप, भारत में पत्र संचार की शुरुआत होती है कलकत्ता से डायमंड हार्बर, पहली टेलीकॉम लाइन बिछाई जाती है, दूसरा पहली रेलवे लाइन यहां चलती है, और एक सेपरेट लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। ये दोनों तीनों पॉइंट मैंने यहां पे डिस्कस किए आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्या होगा भैया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये हुआ, इनके शासन में ये भी हुआ और ये भी हुआ। तीनों आंसर क्या हैं? ऑल ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इन सबको ऑर्डर में करेक्ट कीजिए। लॉर्ड बेलेजली का आपको पता है 1798 से 1805, क्लियर है? अगर मैं लॉर्ड एमस्ट की बात करूं तो आपको मैंने बताया 1823 से 1828 तक, जॉर्ज वॉर्लो 1805 से 1807, है ना, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद आया कौन, और इससे पहले जॉन सोर हमने पढ़ा था, कॉर्नवॉलिस के बाद, बेलेजली से पहले। तो ऑर्डर लगा लो, सबसे पहले कौन आया? जॉन सोर, तीसरा उसके बाद बेलेजली, है ना, जॉन सोर के बाद बेलेजली आया, ठीक है भैया। तो तीसरा चौथा आंसर हो गया बी, पहला दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड पॉलिसी मैंने पहले ही बताया, लॉर्ड ऑकलैंड और किससे संबंधित है? अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर इसी के टाइम में होगा, अफगानिस्तान के संबंध में थी। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब इससे पहले के शासकों ने, फर्स्ट अफगान वॉर होगा इसी के टाइम में, एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42, इससे पहले के शासकों ने अफगानिस्तान पर हमला करने का विचार नहीं किया था, इसने पहली बार अफगानिस्तान की ओर ब्रिटिश शासन को बढ़ाने का आइडिया दिया, मतलब पहला वॉर लड़ा, फॉरवर्ड पॉलिसी, हालांकि ये फेल हो गया, क्लियर है? तो कौन सा है? लॉर्ड ऑकलैंड। अगला, किसके कार्यकाल में भारतीय प्रशासन की अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई? क्या नाम, क्या आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध हमने डिस्कस किया है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में होता है, प्रथम आंगल बर्मा मतलब म्यांमार युद्ध वॉर कब होता है? 1824 से 26, जहां पर कौन सी संधि होती है? यांदबू की संधि होती है ना, ये डिस्कस किया है, और यंग वंग आंदोलन रहा 1824। ये तीनों किसके टाइम में हो रहे हैं? तो इस समय कौन है भैया? आपको पता है, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला, ब्रिटिश भारत में पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के समय, जिसने भारत में कानूनी संहिता का निर्माण किया, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का गवर्नर जनरल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, अभी मैंने डिस्कस किया, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगला, अंग्रेजों और महाराणा प्रताप, महाराणा रणजीत सिंह जो पंजाब का शेर बोला जाता था उन्हें, अमृतसर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, 1809, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि ब्यास नदी के पूर्व में अंग्रेज रहेंगे और पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह जी का शासन होगा, आंसर क्या है? 1809। अगला, लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट आंगल एंग्लो अंग्रेज और नेपाल वॉर में अंग्रेजों को, जो 1814 से 1816 के बीच होगा, और इसके बाद 1816 में सुगौली की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ सुगौली होगी, और इसके बाद सुगौली की संधि के बाद इन्हें मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने नेपाल के साथ समझौता कर लिया, वहां पर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने को राजी हो गए, इसका मतलब अंग्रेजों का इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इंटरवेंशन नेपाल में शुरू हो गया। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद इनको कहा जाएगा। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जब हुआ 1824 में, लॉर्ड एमहर्स्ट, आंसर लगा दो। अगला, किस गवर्नर जनरल के समय भारत के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को
पूर्णता समाप्त कर दिया गया 1833 का चार्टर एक्ट, फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपना लिया गया 1833 का चार्टर एक्ट विलियम बेंटिक। अगला, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसे ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता है, भैया लॉर्ड एलन बरो, डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 कौन, लॉर्ड डलहौजी। बुड डिस्पैच है ना, लॉर्ड डलहौजी, आंसर क्लियर है। व्यपगत सिद्धांत थ्योरी ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल, आपको पता ही है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली की सब्सिडरी अलायंस, कौन सा अलायंस, सहायक संधि नीति, सहायक संधि नीति है ना, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि नीति किसकी है भैया, लॉर्ड बेलेजली की, और लॉर्ड डलहौजी की है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, मैं लिख दे रहा हूं 1856, कौन था वायसराय, लॉर्ड डलहौजी के समय में, और किसके प्रयासों से आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ये कानून लाया गया। सती प्रथा 1829 में खत्म कर दी, कौन था इस समय गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन है भैया, लॉर्ड विलियम वेंटिक, क्लियर है। और किस समाज सुधारक के प्रयासों से, हमने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, जो पेशावर से कलकत्ता तक आता है, क्लियर है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसका नाम जीटी रोड किसने कर दिया, लॉर्ड एलन वरो, ये देख चुके हैं हम। ओल्ड मैन इन हरी, किस अधिकारी की रिपोर्ट पर डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में अवध को अपने राज्य में मिला लिया, मतलब हड़प लिया, और वो हमने लिखा था क्या, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, एक अधिकारी था आउटरम जो कहां पे बैठा हुआ था, अवध में बैठा हुआ था, आउटरम वो अधिकारी था जो सहायक संधि के अंतर्गत अवध में बैठाला गया था, सब्सिडरी अलायंस किसका, बेलेजली का, उसकी रिपोर्ट के आधार पर किसको शामिल कर दिया, अवध को किसने, डलहौजी ने। अगला, डाकघर अधिनियम कब पारित होता है, तो डाकघर अधिनियम कब पारित होगा भैया 1854, क्योंकि डाक पत्र और पत्र संचार ये सब 1854 में ही आएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली डाक संचार की लाइन डाली जाएगी कलकत्ता में, है ना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। अगला, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1846 में स्टार्ट होगा, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और इसके बाद पंजाब का डलहौजी ब्रिटिश इंडिया में क्या कर लेगा, विलय कर देगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, क्लियर है, और विलय कर लेगा किसका, लॉर्ड डलहौजी पंजाब का, तो आंसर क्या हो गया, डलहौजी। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में पहला राज्य, थ्योरी ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा पहला राज्य था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा, तो उस राज्य का नाम क्या है भैया, सतारा, क्या नाम है, सतारा। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, सबसे पहले 1848 में इसने सतारा को हड़पा, उसके बाद सेकंड नंबर पे 1849 में जैतपुर संबलपुर को हड़पा डलहौजी ने, जैतपुर एंड संबलपुर को हड़पा, 1850 में बघाट को हड़पा, बघाट 1852 में इसने उदयपुर को हड़प लिया, क्लियर है, 1852 में इसने उदयपुर को, 53 में झांसी को, ये ऑर्डर था, झांसी से भी क्वेश्चन पूछा गया कब हड़पा इसने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा आपने, क्लियर है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र गोद लिया था, और उसने कौन सी, ये जो थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसमें क्या था कि वो शासक वो राजा जिनका खुद का खून कोई पुत्र नहीं है, मतलब जिन्होंने अपने वंशानुगत नहीं है, मतलब वो पुत्र गोद लिया हुआ है और वो शासक के रूप में है, तो उसको शासक अंग्रेज नहीं मानेंगे, यही था इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, थ्योरी ऑफ लैप्स। और इस तरीके से जो झांसी था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो क्षेत्र था वो इसने, वो शासन जो था वो हड़प लिया था 1850
1853 में। इसके बाद झांसी की रानी जी क्या करेंगी, युद्ध करेंगी। 1854 में नागपुर, 1855 में करौली, करौली राजस्थान में है ना, 1856 में अवध। इस तरीके से लास्ट में अवध को हड़पेगा आउटरम की रिपोर्ट पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा राज्य था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी हड़प नीति के अंतर्गत? इसने हड़पा डलहौजी ने, डलहौजी ने हड़पा तो, लेकिन मान्यता नहीं दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किसको, करौली को। किसको भैया, करौली को, जिसे 1855 में इसने हड़पा था। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, 1833 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो लास्ट गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, प्रथम गवर्नर जनरल क्या इंडिया का। तो हमने लास्ट क्लास में कंपनी रूल खत्म होने तक, मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 की जो क्रांति थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। मतलब हम डलहौजी तक के टाइम पीरियड को, वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगला है लॉर्ड कैनिंग। मैंने पहला ये सेगमेंट इसलिए ब्रेक किया है 1856-57, क्योंकि 57 की क्रांति होगी, क्लियर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा, जिसको सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जिसको 1857 का रिवॉल्ट भी कहते हैं। और उसके बाद 1858 का एक एक्ट आएगा, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया। और उस एक्ट के द्वारा क्या होगा, कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा और सीधे ब्रिटिश क्राउन का, मतलब ब्रिटिश जो रूलर था उस समय, ब्रिटिश साम्राज्य का जो एम्परर था वहां का, जो राजा था ब्रिटेन का, किंग था, उसका रूल सीधे शुरू हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग, जब तक कंपनी का रूल भारत में था 57 तक, तो उस समय एक साल इस टाइम पीरियड में लॉर्ड कैनिंग था, क्लियर है। इसने क्या किया, 1857 में तीन यूनिवर्सिटीज, ये पूछा जाता है कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में तीन यूनिवर्सिटीज कहां कहां पर स्टैब्लिश हुई। तो एक कलकत्ता में, एक मद्रास और एक बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी आपको पता है बहुत फेमस है उस समय की, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1856 में जब गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 तक रहा था, इसके समय में विडो रीमैरिज एक्ट आया, ड्राफ्ट तैयार हुआ, ध्यान रखना, विडो रीमैरिज जो बिल था, कानून था, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर पूछता है कि विडो रीमैरिज जो बिल था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किन के प्रयासों से, तो इंडिया के सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद विद्यासागर जी के प्रयासों से, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के प्रयासों से यह आया। दूसरा पूछता है किसके समय ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया गया, उसका पास नहीं हुआ है, प्रारूप किसके समय तैयार किया गया, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। और क्वेश्चन पूछेगा किसके समय ये पारित किया गया, मतलब पार्लियामेंट से एक्ट बना, ये कानून बना, तो ये जो विडो रीमैरिज एक्ट है ये कब लागू हुआ, तो ये लागू होता है विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, किसके टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ध्यान रखना, लागू लॉर्ड कैनिंग के टाइम में होता है, जबकि ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम में तैयार हुआ। तीन, विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। दूसरा, जब ये इसके बाद क्या होगा, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा और भारत में कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, क्लियर है, ब्रिटिश क्राउन का शासन सीधे शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था, अब वो वायसराय कहा जाने लगेगा। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और पहला वायसराय होगा भारत का, क्लियर है। और इसी के समय में हो रहा था क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है वीर सावरकर जी ने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है, क्लियर है।
इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेके एक पूरी वीडियो बनाएंगे इसी जीएस जीके की सीरीज में, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसका पीरियड वायसराय के रूप में, अभी तक था गवर्नर जनरल के रूप में, अब ये पीरियड किसके टाइम में आ गया, वायसराय। इंडिया का वायसराय ऑफ इंडिया बन गया लॉर्ड कैनिंग, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बन गया। वेरी गुड, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसी के टाइम में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, और जहां पर कंपनी का रूल खत्म हो गया, मैंने पहले ही बताया। विडो रीमैरिज एक्ट इसी के टाइम में पास हो रहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और यहां से 1858 के इस कानून से ब्रिटिश क्राउन का रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया में क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इसी के टाइम में श्वेत विद्रोह होगा। श्वेत विद्रोह मतलब यूरोपियन जो फोर्सेस थी उनके बीच में जो विद्रोह हुआ, व्हाइट रिवॉल्ट कहते हैं श्वेत विद्रोह। ये क्वेश्चन पूछा गया कब हुआ, 1859 में हुआ, किसके टाइम में हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ। इसी के टाइम में आएगा आईपीसी, लागू किया जाएगा इंडियन पीनल कोड, जो करंट में आपने सुना होगा। आईपीसी को किसने रिप्लेस किया है, तो वो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। किसकी जगह ली है बीएनएस ने, आईपीसी 1860। ये 1860 का अंग्रेजों के टाइम का कानून था, इंडियन पीनल कोड जो ये तय करता था। सुना होगा आपने आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन सुनोगे आपने, आईपीसी 302, 307 है ना, 376, 376, है ना, आईपीसी 497, आईपीसी 499, 500 डिफेमेशन से संबंधित है, मानहानि से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन आपने सुने होंगे। आईपीसी 377 बहुत चर्चा में रहता है, आपने सुना होगा। एलजीबीटीक्यू समुदाय से संबंधित 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था। क्लियर है, तो आईपीसी 1860 में किसके टाइम में लागू हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के। लेकिन इसको तैयार किसने किया है, तो इसको तैयार किया है किसने, लॉर्ड मैकाले ने इसको तैयार किया है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के टाइम में आएगा और ये चेयरमैन होगा फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग का, जो भारत में कानून का पूरा सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन तैयार करेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा कानून का। ये विलियम बेंटिक के टाइम में बनेगा, पहले विधि आयोग का चेयरमैन था, इसने बनाया था, इसको लागू किया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1860 में। इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। 1861 में एक हाईकोर्ट एक्ट आता है, क्लियर है, और इसमें कहा गया कि एक ही पूरे देश के लिए एक ही पीनल कोड लागू होगा, अलग अलग पीनल कोड लागू नहीं होंगे। भारत में पहली बार इसी के टाइम में पहली बार आयकर लगाया गया, मतलब लोगों पे इनकम टैक्स लगाया गया पहली बार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और इस पूरे रूल्स को ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने, इसका पूरा नाम था जेम्स विल्सन, इसने तैयार किया, और मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया भी है। जेम्स विल्सन कौन था, जिसने पहली बार, जो भारत में पहली बार बजट इसी व्यक्ति ने प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था, बजट प्रपोज्ड किया था, पहली बार बजट प्रस्तुत किया था इसने। अगला, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, 1862 से 1863, सुना भी नहीं होगा क्योंकि बहुत कोई बहुत बड़ा रोल इसने प्ले नहीं किया। इस समय वहाबी आंदोलन हो रहा था जो है, उसका इसने क्या किया, सप्रेशन किया। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस, ये भी बहुत ज्यादा आपने नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट इसके टाइम में हो नहीं रहे थे, 1864 से 1869। पहला, इस समय बहुत भीकर क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, बहुत भीषण अकाल था, है ना, और बहुत खतरनाक काल था, क्योंकि यहां पे इन रीजन्स में क्या करेगा, भीषण अकाल है ना, फेमाइन पड़ेगा। अगला, और इसी की यहां पे ध्यान रखना है, इसको लिख लेना, यहां पे क्या पड़ेगा, फेमाइन, इन रीजन्स में अकाल आएगा खतरनाक, भुखमरी फैलेगी इससे, है ना, फेमाइन मतलब अकाल से भुखमरी, जब वर्षा ना हो, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना हो, तो खाने की संकट आ जाए, तो खाने का उत्पादन ना होने से लोग मरने लगे, भूखे मरने लगे, भुखमरी फैलने लगे, उसको कहते हैं फेमाइन आ गया, अकाल आ गया। तो अकाल को काउंटर करने के लिए अकाल एक फेमाइन कमीशन बनाएगा ये लॉरेंस, इसकी अध्यक्षता में कैंपवेल, तो कमीशन पूछेगा कैंपवेल कमीशन,
या अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में, या कैंपबेल कमीशन किससे संबंधित है, फेमाइन से संबंधित है। अगला, इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अफगानिस्तान के साथ में कि अफगानिस्तान का जो रीजन होगा उसमें ब्रिटिश इंडिया की उस समय जो गवर्नमेंट होगी वो कोई भी इंटरवीन नहीं करेगी, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई अफगानिस्तान के लिए। इसके बाद लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। क्या करेगा ये, मेयो कॉलेज बनाएगा ये, इसी के टाइम में मेयो कॉलेज बन रहा है, और मेयो कॉलेज कहां बन रहा है, अजमेर में। पर्पज क्या था, जो भारतीय इंडियन प्रिंसेस थे, भारतीय जो राजा रजवाड़े के जो राजकुमार थे उनके जो बच्चे होते थे प्रिंसली स्टेट्स के, देसी रियासतों के राजाओं के, रूलर्स के, वो वहां पे स्टडी कर सके, उसके लिए मेयो कॉलेज बनवाया, कहां पे, राजस्थान के अजमेर में। तो मेयो कॉलेज की स्थापना किसने करवाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किसने कृषि विभाग की स्थापना करवाई। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके टाइम में भारत में पहली बार जनगणना होगी 1872 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और ये वो वायसराय था जिसकी पोर्ट ब्लेयर किसके आज के टाइम में हेडक्वार्टर है, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, लॉर्ड मेयो। साथ ही साथ एक चीज और है, इसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस किया, क्या किया इसने, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आगे क्वेश्चन भी आएगा इसका, जो क्वेश्चन पूछा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, वित्त का विकेंद्रीकरण किया इसने, मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल, प्रांतीय स्टेट्स और केंद्रीय सरकार के बीच में पैसे के बंटवारे को लेकर एक रूपरेखा प्रस्तुत की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस किया, वित्त का विकेंद्रीकरण इसने प्रस्तुत किया लॉर्ड मेयो ने। इसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ब्रिटेन में है, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स एक पूरा जो है, जैसे सुना होगा आपने स्कॉटलैंड एंड वेल्स, आज के टाइम में आपने सुना होगा इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड के बाद ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा यूनाइटेड किंगडम। तो मैं आपको बता देता हूं, ब्रिटेन मतलब जब आप वो आइलैंड देखोगे उसमें आप ब्रिटेन, इंग्लैंड को सॉरी पहले कहा जाता है क्या, इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब है जहां पर स्कॉटलैंड एंड वेल्स शामिल नहीं है तो उसको कहते हैं क्या, इंग्लैंड। जब ये शामिल हो जाता है तो इसको कहते हैं क्या, ग्रेट ब्रिटेन। तो जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड एंड वेल्स को भी शामिल कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं क्या, सुना होगा स्कॉटलैंड एंड वेल्स का एक शहर है ग्लासगो, जहां पर सीओपी हुई थी, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसको मैंने डिस्कस भी किया है कॉप वाली वीडियो में। तो ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में जब इसमें शामिल कर लिया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को, तब यह बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। जो आप देखोगे आयरलैंड जो देश है तो एक आइलैंड है इस तरीके से इंग्लैंड के नीचे, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके का पार्ट है, मतलब जो आज के टाइम में यूके के, तो आपने सुना होगा ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब स्कॉटलैंड एंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इन सब के, इंग्लैंड तीनों को मिला के यूके बनता है। तो यूके किसको मिला के बनेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स और इंग्लैंड को मिला के बनेगा, और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं कंट्री जिसका नाम है क्या, आयरलैंड। अगला, इसी के टाइम में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान, नाम सुना होगा, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज एएमयू के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका पहले नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना भी इसी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने की, सर सैयद अहमद खान। अगला, लॉर्ड लिटन, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय लॉर्ड लिटन, क्लियर है, इसके बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में जब अकाल पड़ रहा है तब भी ये इतना बेशरम टाइप का था, इसने 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाया। हम तीन दिल्ली दरबार पढ़ते हैं, मैं यहां पे तीनों लिख दे रहा हूं। पहला दिल्ली दरबार कब लगा, 1877 में, कौन था, लॉर्ड लिटन था। दिल्ली दरबार एक प्रकार से एक सेरेमनी होती थी
जब कोई नया राजा मतलब किंग या क्वीन जब ब्रिटेन में गद्दी पे राजगद्दी पे बैठते थे तो उनको उनकी जो मतलब महानता एक प्रकार से जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स उस समय मानते थे ग्रेटनेस को दिखाने के लिए खूब बड़ा आयोजन किया जाता था, खूब पैसा करोड़ों रुपया बहा दिया जाता था, इंडिया का भारत का हमारे देश का करोड़ रुपया इसी सेरेमनी में बहा दिया जाता था, जबकि दूसरी तरफ क्या होते थे अकाल पड़ रहे हैं। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार किसके टाइम में हुआ, लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ 1877 में हुआ। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, क्लियर। और थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में होता है। ये तीन दिल्ली दरबार हुए, इस समय लॉर्ड कर्जन होगा और इस समय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग होगा वायसराय, क्लियर है, लॉर्ड हार्डिंग। ये चीजें हम लिख रहे हैं तो इसमें हम ये भी लिख लेते हैं कि इस समय कौन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस समय 1875 में 1877 में जब पहला दिल्ली दरबार लगा तो उस समय क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी हो रही है, क्वीन विक्टोरिया गद्दी पे बैठ रही है और लिटन इनको क्या देगा, इनको कैसर ए हिंद की उपाधि देगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं कौन सी उपाधि देगा, कैसर ए हिंद, कौन देगा, लिटन देगा ये उपाधि देगा, ये टाइटल देगा इनको। क्वीन विक्टोरिया 1877 में जब गद्दी पे बैठेंगी तो पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया जाएगा, फंक्शनल सेरेमनी है, जब कोई किंग या क्वीन गद्दी पे बैठ रहे हैं बेहिसाब पैसा बर्बाद किया जा रहा है, भारत का पैसा अंग्रेजों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसको। 1903 में जब सेकंड दिल्ली दरबार होगा तो वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कर्जन, और इस समय कौन आ रहा है तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इस समय एडवर्ड सेवेंथ ये राजगद्दी पे बैठ रहे हैं, किंग एडवर्ड सेवेंथ और दूसरा क्वीन एलेक्जेंड्रा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन आ रहा था या कौन गद्दी पे बैठा था, एडवर्ड सप्तम और क्वीन एलेक्जेंड्रा, ये जब गद्दी पे बैठेंगे तो दूसरा दिल्ली दरबार लगाया जाएगा और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगेगा, क्लियर है। और उस समय जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इनकी ताजपोशी हो रही है और यही 1911 था दिल्ली दरबार अनाउंस किया जाएगा, इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे और यहीं पे अनाउंस करेंगे 1911 में ही इंडिया की कैपिटल को कैलकटा से, इसी दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट होगा कि कैलकटा से अब इंडिया की जो कैपिटल राजधानी होगी वो दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पे भयंकर अकाल पड़ेगा और रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग फेमाइन कमीशन भी बनाएगा लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा देखिए यहां पे मैंने लिख भी दिया है, ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में और इसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए, मतलब इसने प्रेस की फ्रीडम को खत्म कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके लॉर्ड लिटन ने। इसी के टाइम पे द्वितीय आंगल अफगान युद्ध होगा 1878 से 80, इसका मतलब इसने अफगान के मामले में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को क्या कर दिया, त्याग दिया, ड्रॉप कर दिया और सीधे वॉर करने लगा। तीसरा, इसी के टाइम पे लाइसेंस एक्ट आएगा, शस्त्र अधिनियम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, शस्त्र अधिनियम 1878 में ही आएगा, लाइसेंस एक्ट 1878, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर कर दिया गया था, किस बात का, कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई नागरिक आर्म्स जो शस्त्र है उनका लाइसेंस ना ले पाए, आर्म्स का लाइसेंस एक्ट लाया गया और इसके द्वारा एक प्रकार से भारतीयों को लाइसेंस, आर्म्स के लाइसेंस से वंचित करने का प्रयास किया लॉर्ड लिटन ने।
सबसे इंपॉर्टेंट, इसने जो सिविल सर्विस होती थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी उसमें इंडियन शामिल ना हो पाए तो इसने क्या किया, मैक्सिमम एज जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 कर दिया, जिससे भारतीयों को और ज्यादा मुश्किल हो जाए इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो इस समय हो रही थी उसका एग्जाम पास करना, एक प्रकार से रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1880 से 84 तक रहेगा। फादर ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में स्वशासन के जनक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट एक ही बात है, स्थानीय स्वशासन इसका जनक माना जाता है इसे, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का जनक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसने क्या किया, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लगाया था लिटिन ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कब आया था 1878 में लिटिन के टाइम में, इसने ये क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब प्रेस को फ्रीडम दे दी, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता दी इसने, क्लियर है, लिबरेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ध्यान रखना इसी के टाइम में 1883 में इल्वर्ट विल विवाद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1883 में जब ये लॉर्ड रिपिन था वायसराय है तो एक बिल आएगा जिसका नाम था इल्वर्ट विल विवाद डिस्प्यूट, इल्वर्ट नामक व्यक्ति ने, सीपी इल्वर्ट नाम था उसका, उसने एक बिल प्रपोज किया जो ये कहता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनका जो केस होगा, जो जुडिशरी में, अदालतों में, जो कोर्ट्स में मुकदमे होंगे, उनकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकेंगे, इससे पहले भारत के जज जो इंडियन जजेस थे, मतलब जो उस समय की ब्रिटिश जुडिशरी में काम कर रहे थे लेकिन इंडियन ओरिजिन के थे, इंडिया के थे जो लोग, जो जजेस थे, वो यूरोपियंस के मामले नहीं सुन सकते थे। इल्वर्ट बिल जो आएगा उसमें ये प्रोविजन किया गया कि भारत के जज जो हैं, भारतीय निवासी जो जज हैं, भारतीय नागरिक जज हैं, वो यूरोपियंस के मामले भी अब सुन सकेंगे, जिसका विरोध किया गया और इस बिल को क्या कर दिया गया, कैंसिल करना पड़ा। तो इल्वर्ट विल डिस्प्यूट मैंने बता दिया क्या है, कब आया, 1883 में आया, लॉर्ड रिपिन के टाइम में आया। अगला, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, नाम सुना होगा आपने, बीएचयू की स्थापना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्होंने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक कॉन्फ्रेंस सेशन में कहा था 1909 के, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, ये जो 1909 का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है, एनुअल सेशंस होते हैं, एक दिन एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग कांग्रेस के सेशंस कब हुए, उसमें क्या क्या हुआ, 1885 में डफरिन के टाइम में कांग्रेस बनेगी, आपको पता है ना, तो कांग्रेस 1909 में कांग्रेस का सेशन हो रहा है, और उसमें उन्होंने कहा था मालवीय जी ने कि जो रिपिन था वो भारतीय वायसराय जितने भी आए उसमें सबसे अधिक फेमस था, सबसे ज्यादा पॉपुलर था, थोड़ा इसको लिबरल भी माना जाता है, क्योंकि ये सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करेगा, प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा देगा, क्लियर है, इसी के टाइम में इल्वर्ट विल आ रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है 1882 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। हंटर कमीशन बनाया गया, किसकी चेयरमैनशिप में, विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में, 1882 में हंटर कमीशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हंटर कमीशन कब बना, 1882 में, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड, इल्वर्ट बिल विवाद मैंने डिस्कस कर ही लिया। अगला, 1872 में हमने पढ़ा लॉर्ड मेयो के टाइम में पहली जनगणना होगी, और लेकिन रेगुलर सेंसिस 1881 फिर 1891 हर 10 साल पे होती है, आपको पता है, इसके बाद यहां से शुरुआत होगी लॉर्ड रिपिन के टाइम से, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, सुना होगा आपने, बहुत फेमस नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने रिपिन को भारत का उद्धारक बोला, है ना, क्या बोला, द सेवियर ऑफ इंडिया बोला, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, सेवियर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। लॉर्ड डफरिन आएगा इसके टाइम में, 1885 में कांग्रेस बन जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ होम बनाएगा, सुना होगा एक अंग्रेज अधिकारी,
थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर होगा इसके टाइम में, और बर्मा को इंडिया में फाइनली मर्ज किया जाएगा, मतलब बर्मा को जो आज के टाइम में म्यांमार है उसको इंडिया में मिला लिया जाएगा, जो 1937 में वापस अलग कर दिया जाएगा, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाऊंगा मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी एओ ह्यूम, एओ ह्यूम ये अधिकारी है अंग्रेज जो बनाएगा। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आएगा 1888 से 1894 के बीच में। डूरंट कमीशन बनाया जाएगा, सुना होगा डूरंट लाइन, इस डूरंट कमीशन ने डूरंट लाइन, और डूरंट लाइन किसकी है, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया, डूरंट लाइन किसके बीच में, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कहां पे, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसको लेंगे बहुत जल्दी, और दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको कहते हैं डूरंड लाइन। इसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा कहते हैं। तो इसके टाइम में ये बनेगा, क्लियर, चूंकि उस समय पाकिस्तान बना नहीं था तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर था ये, क्लियर है, पाकिस्तान बनेगा 1947 में। अगला, इसने जो सम्मत आयु विवाह अधिनियम 1891 में पारित किया, मिनिमम एज का, शादी की मिनिमम एज का एक कानून था, है ना, सम्मत आयु विवाह नियम बहुत फेमस था, इसको पास किया। इसके बाद आएगा लॉर्ड एल्गिन सेकंड, जो बहुत फेमस नहीं है इसीलिए आपने ज़्यादा सुना भी नहीं, और इसने बहुत कुछ किया नहीं, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये दो तीन पॉइंट लिखे हैं जो क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं क्योंकि ये फेमस भी ज़्यादा नहीं था। ये बहुत फेमस है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपको पता है बंगाल विभाजन होगा। मोस्ट अनपॉपुलर वायसराय ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोकप्रिय था, सबसे बेकार, रद्दी, क्रूर टाइप का, जिसने सबसे ज्यादा भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटने की, एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल आपने सुना, अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति अपनाई, अनऑफिशियली अपना रहे थे। इसके टाइम में आके जब बंगाल का विभाजन हो जाएगा, बंगाल को ये कर्जन जो क्या करेगा, दो हिस्सों में बांट देगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसको बंगाल विभाजन कहते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाएगा, है ना, बहिष्कार आंदोलन शुरू होगा, स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही शुरू होगा बंगाल विभाजन के विरोध में। तो ये बांट देगा, बोलेगा ये कि हम प्रशासनिक आधार पर बांट रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बांट रहे हैं, लेकिन बांटेगा धर्म के आधार पर, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को बांट देगा, और पहली बार अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऑफिशियली भारत पे इंपोज कर देंगे उस समय लॉर्ड कर्जन के टाइम में, बंगाल विभाजन के टाइम। गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले, सुना होगा नाम, बहुत फेमस कांग्रेस के लीडर थे, क्लियर है, और ये लिबरल ग्रुप के थे, कांग्रेस के नरमपंथी ग्रुप के लिबरल थे, और इनको माना जाता है, गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल फादर मानते थे, राजनीतिक जनक मानते थे, गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा थी उनको इन्हीं को मानते थे, इन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कहते थे गांधी जी, तो पॉलिटिकल फादर माने जाते हैं गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने इस कर्जन को क्या बोला था, आधुनिक भारत का औरंगजेब बोला था, औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया किसको बोला जाता है। इसने क्या किया, इंटेलिजेंस सिस्टम, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम इसने शुरुआत की। 1901 में भारत में पहली बार इसने जातिगत जनगणना कराई, कास्ट सेंसस कराया, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग एएसआई, सुना होगा आज के टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की, ध्यान रखना है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछे कब हुआ एएसआई को फाउंड, कब किया गया, तो 1861 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, जितने भी भारत के एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है। 1861 में एएसआई को स्थापित करेगा, इस समय वॉयसराय होगा लॉर्ड कैनिंग, और इस एएसआई को बनाएगा, इसका जो चीफ बनेगा अधिकारी उसका नाम है एलेक्जेंडर कनिंगम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
ये इसका चीफ था इस विभाग का, पहला चीफ ये बना। लेकिन बाद में क्या होगा, इस विभाग को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। दोबारा कौन, कर्जन, लॉर्ड कर्जन दोबारा इस विभाग को स्थापित करेगा, रीस्टोर करेगा। तो कहीं कहीं पे अगर क्वेश्चन आए और लॉर्ड कर्जन ऑप्शन में हो तो ऑप्शन एएसआई को किसने फाउंड किया, ये लॉर्ड कर्जन भी माना जाता है। तो ध्यान रखना मैंने दोनों चीजें लिख दी। दूसरा दिल्ली दरबार मैंने बताया 1903 में इसी के टाइम में होगा, 1905 में बंगाल का विभाजन इसी के टाइम होगा मैंने बताया। इसका जो उस समय चीफ कमांडर इन चीफ होगा, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, किचनर नाम था, उसके साथ इसका डिस्प्यूट होगा और इसके बाद ये रिजाइन कर देगा 1905 में। ध्यान रखना है, तो किचनर के साथ डिस्प्यूट किसका होगा 1905 में, लॉर्ड कर्जन का। इसके बाद ये चला जाएगा और कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटीज की सिचुएशन पे व्यंग करते हुए उसने कहा था, सटायर वे में कहा था इसने, क्लियर है कि आई वुड लाइक टू बिकम द मेयर ऑफ द कलकत्ता आफ्टर वायसराय। जबकि वायसराय उस समय पूरे ब्रिटिश भारत, जो पूरा जो रूल था जहां पे ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश भारत का, उन सबका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अगला, और इसने कांग्रेस पे भी व्यंग किया था, इसने कहा था कांग्रेस इज नाउ डाइंग एंड आई विश दैट आई कैन हेल्प इन इट्स पीसफुल डेथ। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आप जानते हो, जिसने डिवाइडेड रूल की पॉलिसी 1909 में, सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें पहली बार क्या देगा, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को क्या दे देगा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट ले देगा, पृथक निर्वाचक दे देगा, निर्वाचन दे देगा उन्हें। और एक प्रकार से भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और ज्यादा तेजी से धर्म के आधार पर बांटने का अंग्रेज क्या करेंगे, प्रयास करेंगे 1909 के कानून के द्वारा। तो फादर माना जाता है मिंटो को भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट का, क्लियर है। इसी के टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही होगी 1906 में, सुना है आपने। बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू होगा, जो बंगाल विभाजन कर्जन करके गया था उसके विरोध में आंदोलन शुरू होगा। स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया आपको, ये शुरू होगा। अगला, खुदीराम बोस जी को, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दी जाएगी इसी के टाइम में। बाल गंगाधर तिलक जी को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा होगी 1908 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मैं पहले डिस्कस कर चुका 1909 में। इसी के टाइम में 1907 में कांग्रेस का सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होगा, एनुअल सेशन हर साल होते थे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कांग्रेस का स्प्लिट विभाजन कब हुआ, नरम दल और गरम दल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी कांग्रेस। गरम दल आपको पता है कांग्रेस का, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद पाल जी की जो पॉलिसी थी उसको माना जाता है, तो यहाँ पे विभाजन हो जाएगा। अगला, इसी के टाइम में पहला इंडियन मेंबर एसपी सिन्हा जी, जो वायसराय की गवर्निंग काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। लास्ट है इस सेशन का, लास्ट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसके टाइम में तीसरा दिल्ली दरबार होगा। पहले ही लिख चुका हूं, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में तीसरा दिल्ली दरबार होगा 1911, और राजधानी कैपिटल क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। पार्टीशन यहां पे बंगाल का, जब बंग भंग विरोधी आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, तो फिर अंग्रेज बैकफुट पे आएंगे और इसके बाद बंगाल विभाजन को यहां पे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जो कर्जन करके गया था, और भारत की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर देंगे 1911 में। इस अनाउंस कहां हो रहा होगा, जब तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जा रहा होगा। और इसी के टाइम में 1914 में क्या शुरू हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अगला, मदन मोहन मालवीय जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करेंगे 1915 में, इसी के टाइम में। और मैंने पहले बताया 1916 में मदन मोहन मालवीय जी BHU की स्थापना करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के बारे में था। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, सीपी इलवर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर थे। मैंने बताया सीपी इलवर्ट वही है जो इलवर्ट विल डिस्प्यूट आया था, किसके, लॉर्ड रिपिन। आंसर क्या होगा, देखो यहां पे लॉर्ड रिपिन होगा।
क्लियर है। टीपी इलवर्ट, इलवर्ट विल विवाद, इलवर्ट विल डिस्प्यूट 1883। क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, सामने लिखा हुआ है, बंगाल सरकार की धोरी नीति ड्वेल द्वार की या ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बंगाल में, तो पीछे जाओ याद करो, पीछे की क्लास में मैंने पढ़ाया है क्या, अलाहाबाद की संधि के 1765 में अलाहाबाद की संधि के बाद कौन, लॉर्ड क्लाइव क्या करेगा बंगाल में, द्वैल शासन ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलाएगा, बंगाल में लूट करेगा, उस समय बंगाल के नवाब को बना देगा, मीर जाफर का जो पुत्र होगा नजमुद्दौला उसको बंगाल का नवाब बना देगा, वो माइनर था, नाबालिग था, अल्पवयस्क था, और पीछे से शासन कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और खूब बंगाल में अराजकता और लूटपूट लूटपाट मचाएगी, जिसको आगे चल के 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उसके जरिए वॉरेन हेस्टिंग क्या करेगा, उसको खत्म करेगा। तो आंसर क्या हो गया, क्लाइव, ये डिस्कस कर चुके हैं। किसने सती प्रथा खत्म किया, ये आपको पता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ये खत्म हुआ। तो आंसर क्या है, विलियम बेंटिक। लॉर्ड मेयो के टाइम में पहला भारत का सेंसस हुआ, ठीक बात है। डूरेंट कमीशन लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में आया है ना, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट, और इसी 1904 में इसने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिस्टोर किया कर्जन ने। तो तीनों सही हैं, ऑल ऑफ दी सारे सही हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किसके लिए बोला था कि एक चेरी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसको एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, मतलब उस प्रिंसली स्टेट को, एक सुना होगा ना लॉर्ड डलहौजी की कौन सी पॉलिसी, थ्योरी ऑफ लैप्स, हड़प नीति, राज्यों को हड़पने की नीति, थ्योरी ऑफ लैप्स सुना होगा। तो किसके लिए कहा था, अवध के लिए कहा था, और अवध को 1856 में इसने जबरदस्ती मिला लिया था। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, गलत अभी पढ़ा, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार, और ये जो लुटियन दिल्ली है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो आप दिल्ली में आओगे तो ये जो बेल प्लांट जो पार्लियामेंट से लेके प्रेसिडेंट हाउस से लेके है ना नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये जिसने बनाए हैं उन आर्किटेक्ट्स का नाम है एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट वेकर, इसीलिए इस दिल्ली को बोला जाता है क्या, लुटियन दिल्ली, दिल्ली का दिल है ये, वेल प्लान्ड दिखाई देगी यहाँ पे दिल्ली आपको, बड़े बड़े बंगलों होंगे है ना, बड़े बड़े चौड़े रोड होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रीनरी वहां पे होगी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ओनली क्या हो गया आंसर, बी। अगला आर्म्स एक्ट कब आया, 1800, आर्म्स एक्ट या लाइसेंस एक्ट, आर्म्स लाइसेंस एक्ट, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में, लिटन के टाइम में ही होगा ये दोनों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, लिटन के टाइम पे ही होगा, देख लो भैया किसके टाइम पे होगा, लिटन के टाइम में डिस्कस कर चुके। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस है कहीं पे, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस आंसर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी कब, 1809, कौन वायसराय होगा इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा इस समय, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा, इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, चार्ल्स टी मेटकॉफ, और इसमें क्या बोला गया था, सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर होगी वो अंग्रेजों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के जो एम्पायर था उसके बीच में क्या होगी, बाउंड्री होगी, क्लियर है। सतलुज रिवर के ईस्ट का जो हिस्सा होगा वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगा, और सतलुज रिवर के वेस्ट का हिस्सा जो है वो महाराजा रणजीत सिंह जी के कंट्रोल में रहेगा, ये इस अमृतसर की ट्रीटी, अमृतसर की संधि में बोला गया था। किसने किसने क्या बोला, पैरामाउंट 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 सी मतलब सर्वोपरि, इस गवर्नर जनरल ने यह पॉलिसी अपनाई कि अब जो ब्रिटिश शासन होगा वो सर्वोपरि होगा, सब पे लागू होगा, सारे प्रिंसली स्टेट से लेकर हर किसी को उसका कहना मानना पड़ेगा। तो उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये 1814 से 1816 के बीच में ये काम कर रहा है, इसी समय ये नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर भी करेगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक बहुत फेमस है, जेम्स मिल जो ब्रिटिश एक राइटर है उसने ये बुक लिखी है,
भारत की हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखा गया है। भारत में स्थानीय शासन के जनक लॉर्ड मिंटो नहीं है, लॉर्ड रिपिन है। सेल्फ गवर्नेंस है ना, कम्युनल जो है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, लॉर्ड मिंटो है। मैंने अभी पढ़ाया भी था, जिसने 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, और धर्म के आधार पर भारत को अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दिया। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ भी बोला जाता है, और साथ में और कौन जोड़ सकते हो, लॉर्ड रिपिन, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। तो आंसर कौन सा होगा, केवल तीन, दो तो गलत हो गए, एक ये वाला भी गलत हो गया है, और एक इलवर्ट बिल 1883 में, वायसराय लिटिन था नहीं, रिपिन था, बिल्कुल सही बात, गलत। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अभियुक्तों पर मुकदमे चलने का सुनवाई कर सकते थे इसके अंतर्गत, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, दो होगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिन के टाइम में आया, वो कह रहा है निरस्त, कैंसिल किया, आंसर से चेंज करना, कैंसिल किसने किया, रिपिन ने किया, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। 1856 में गवर्नर जनरल के निर्णय कौन सा था, जिसने कहा कि जो बहादुर शाह जफर होगा वो लास्ट मुगल एम्परर होगा, अंतिम मुगल बादशाह होगा, और इसके बाद 1857 का जो रिवॉल्ट होगा, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है ना, 1857 की क्रांति कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है, उसमें ये लीड करेगा इस रिवोल्यूशन को, और इसके बाद इसको गिरफ्तार करके अंग्रेज क्या भेज देंगे, रंगून भेज देंगे, म्यांमार में है जो आज के टाइम में, बर्मा में, और वहां पे पेंशन देके रंगून भेज देंगे। ये अंतिम वायसराय था, ये किसने अनाउंस किया था, और इसको बोला गया कि ये मुगल बादशाह ना बोल के केवल इसे राजकुमार कहा जाएगा। मुगल बादशाह का पद, मुगल एम्परर का पद क्या कर दिया अंग्रेजों ने, खत्म कर दिया। तो इस समय कौन था वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान पता है लॉर्ड डफरिन था, 1885। किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, बताओ भैया, 1870 में लॉर्ड मेयो, लिखवा चुका हूं। किस वायसराय ने थानेदारी व्यवस्था, तो मुझे, मैंने आपको पहले ही कहा है, पुलिस रिफॉर्म्स पूछे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पूछे, या जुडिशियल रिफॉर्म्स पूछे, ये तीनों प्रकार के रिफॉर्म्स किसने किए, लॉर्ड कार्नवालिस ने किए। कार्नवालिस कोड कहा जाता है उसे, कार्नवालिस संहिता कहा जाता है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने, जो बहुत खतरनाक था, कुख्यात था, जिसने कहा था, रेंगने का आदेश दिया था, क्रॉवलिंग ऑर्डर दिया था इंडियंस को एक बहुत पतली गली से निकलने का, आपको सुना होगा आपने, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें जेनोसाइड किया था, नरसंहार किया था इस कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी ने, जिसका नाम था जनरल डायर, जहां पे हजारों की संख्या में भारतीय, हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो उस सभा में इकट्ठे हुए थे, वो हजारों क्रांतिकारी मारे गए थे, शहीद हो गए थे। वो जो क्रूर अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारी था, क्या नाम था, जनरल डायर नाम था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आपको पता है, लॉर्ड रिपिन। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना आपको पता है 1872 में, लॉर्ड मेयो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, एएसआई, मैंने बताया, या तो लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं है तो कर्जन है, तो यहां पे कर्जन आंसर है, कैनिंग नहीं है। कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय, आपको पता है लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है भैया। लॉर्ड कैनिंग के कार्य में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद मिला, गलत है, ये लॉर्ड लिटिन के टाइम पे मिला, प्रथम दिल्ली दरबार, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। हाई कोर्ट्स की स्थापना कहां होगी, 1865 में भारत में पहली बार हाई कोर्ट्स की स्थापना होगी, कहां पर, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, 134, क्लियर है। और 1774 में कलकत्ता में क्या स्थापित होगा, सुप्रीम कोर्ट स्थापित होगा, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं। सेल्फ गवर्नेंस किसने, लॉर्ड रिपिन। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल, तो रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स सब किसने किए, कॉर्नवालिस ने किए। ऐतिहासिक स्मारक के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कानून
आपको पता है कौन 1904 में एंशियंट मोनूमेंट के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कर्जन लेके आया। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड रिपन ने दिया। कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका। तो ये सारे हमने इस वीडियो में सारे अलग अलग क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में इन वायसराय और उसके समय में हुई घटनाओं से पूछे जा चुके हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये सेशन बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, जिसमें मैंने लगभग 28 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आपको दिया। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो SSC हो, वनडे एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, स्टेट PCS का एग्जाम हो। क्लियर है? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें, कमेंट दें, और अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट में हमें करके बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे हमें भी मोटिवेशन रहे, हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहें। हमने लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने लास्ट बताया था कि उसके टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद वायसराय आता है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921, और इसके टाइम में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। मैं पहला इवेंट लिख रहा हूँ, आपने सुना होगा इससे पहले एक कानून आया था 1909 का, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले पहले लिखा गया है, वो बड़ा अधिकारी था जिसको स्टेट सेक्रेटरी टू इंडिया कहा जाता था, भारत सचिव कहा जाता था, और बाद में मिंटो लिखा है मतलब लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। इसके टाइम में 1919 में जो आया कानून उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स 1919, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू इस समय भारत का सचिव था, भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया था, स्टेट सेक्रेटरी टू इंडिया था, मतलब एक ब्रिटेन की सरकार उस समय जो ब्रिटिश सरकार होती थी उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे स्टेट सेक्रेटरी टू इंडिया कहा जाता था। जैसे आज के टाइम में वहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी मतलब विदेश मंत्री को कहा जाता है इंग्लैंड में और अमेरिका में, हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा जाता है, उनके यहाँ सेक्रेटरी टू स्टेट कहा जाता है विदेश मंत्री को। चले, इसके टाइम में ये कानून आया और इस कानून में क्या जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में प्रांतों में ड्वेल्स रूल, द्वैत शासन, डायार्की भी कहते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। क्या होती है ये अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में, सुना होगा आपने होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लिख लेना ये दो नाम थे इससे रिलेटेड। एनी बेसेंट नाम सुना होगा और बाल गंगाधर तिलक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। होम रूल लीग की स्थापना करेंगे और इसके बाद इसी में लखनऊ कन्वेंशन होगा। अब कांग्रेस, लखनऊ कन्वेंशन मतलब लखनऊ का अधिवेशन, एनुअल सेशन, हर साल होते थे सेशन, आपको पता है, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी कांग्रेस के अलग अलग सेशन। तो लखनऊ का अधिवेशन होगा कांग्रेस का 1916 में, और इस 1916 में लखनऊ पैक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। ये समझौता क्या था, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें पहली बार धार्मिक आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों के लिए, मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था, ऑफिशियली लागू कर दिया था अंग्रेजों ने। तो वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था उसका कांग्रेस ने विरोध किया था कि अंग्रेज हमारे देश को किस में बांटना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर, रिलीजन के बेसिस पे बांटना चाहते हैं। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया और कांग्रेस ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पे कांग्रेस की कि उन्होंने उस समझौते को मान लिया जो भारत में धार्मिक आधार पर डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाता था अंग्रेजों के, लखनऊ समझौता 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी के टाइम में चंपारण में गांधी जी सत्याग्रह करने जाएंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह सुना होगा बिहार में। इसके बाद ये ऑर्डर पूछा गया कई बार क्रोनोलॉजिकल, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह करेंगे गांधी जी। अहमदाबाद में जो हड़ताल सुनी होगी आपने, मिल जो था, मिल के वर्कर्स की। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होगा 1918 में। अगला, इसके टाइम में भारत शासन अधिनियम, यही तो लिखवाया मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्ले मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आएगा। रॉलेट एक्ट आएगा, सुना होगा, काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को, बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून था ये। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, काला कानून किसके टाइम में आया, उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में लगातार भारत में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, वो सब क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में कि ये काला कानून वापस लो। और इसी में एक इसी काले कानून के विरोध में एक सभा हो रही होगी जलियांवाला बाग में और 1919 में, और वहां पर जो क्रूर जनरल डायर, जानवर जैसा अधिकारी जनरल डायर, वो क्या करेगा, उस हजारों की भीड़ पे गोलियां चलाएगा, जिसमें हमारे हजारों क्रांतिकारी क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। किसके विरोध में, वो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, जलियांवाला का जो अंग्रेजों ने जो जेनोसाइड किया, नरसंहार किया, वो किसके टाइम में हुआ, उस समय वायसराय था कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे अगले बढ़ते हैं। इसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाएगा 1920 में। क्लियर है, 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, जो सर सैयद अहमद खान है, जिसका नाम एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज था, उसका नाम बदल के एएमयू कर दिया जाएगा, जो आज के टाइम में एएमयू है। तो एएमयू कब किया जाएगा उसी कॉलेज को, 1920 में। और इसी के टाइम में बाल गंगाधर तिलक जी की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाएगी, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। चलिए, इसके बाद आता है वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक। इस लॉर्ड रीडिंग के टाइम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस ले लेंगे, आपको पता है 1922 में, डे यहां पे लिखा है 5 फरवरी 1922, कौन सी घटना होगी, चौरा चौरी की घटना होगी, आपको पता होगा चौरा चौरी की जो घटना होगी। और ये चौरा चौरी जो जगह है वो कहां पे है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। यहां पे होगा क्या, आंदोलनकारी भीड़ थी, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस पे ब्रिटिश पुलिस जो थी उसको गोलियां चलाएगी, लाठी चार्ज करेगी, उसके विरोध करेगी भीड़। क्लियर है, तो विरोध जब भीड़ करेगी तो फिर से पुलिस लाठी चार्ज करेगी, गोलियां चलाएगी, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। फिर वहां पे हिंसा हो जाएगी, पुलिस की चौकियों की जला दी जाएंगी। इस हिंसा को, वॉयलेंस को देखते हुए गांधी जी क्योंकि नॉन वॉयलेंस के पक्षधर थे, अहिंसा के पक्षधर थे, इसीलिए गांधी जी इस वॉयलेंस को देखते हुए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेट कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को वापस ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब वापस हुआ, किस इंसिडेंट के बाद वापस हुआ और किस वायसराय के टाइम में वापस हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यहूदी वायसराय था ये। अगला, इसी के टाइम में 1921 में केरला में मोपला विद्रोह होगा। मोपला विद्रोह कहां हुआ, केरला में 1921 में। इसी के टाइम में 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड होगा। हमारे क्रांतिकारी जो उस ट्रेन में बहुत सारे हथियार भर के, जो ब्रिटिश सेना की पुलिस वो सब ले जा रही होगी धन और हथियार, तो भारत के नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्लियर है, अंग्रेजों के यहाँ से भगाने के लिए, जो हमारा रिवॉल्यूशन मूवमेंट चल रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, उसके लिए जो उस समय के क्रांतिकारियों को जो जरूरत थी पैसे की और हथियारों की, इसके लिए क्या होगा, काकोरी ट्रेन डकैती होगी 1925 में।
इसके बाद आपको पता है सी आर दास, चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे 1923 में, कांग्रेस से अलग हो गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्वराज पार्टी कब बनाएगी कांग्रेस से अलग होके, किसने बनाई? चित्रंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में। अगला एकवर्थ कमेटी बनेगी, एकवर्थ कमेटी कब बनी मैं लिख दे रहा हूं 1921 में, किससे संबंधित थी? रेलवे से। और ये कहेगी कि रेल बजट को आम बजट से, जो जनरल बजट है उससे अलग कर दिया गया, तो इसकी सिफारिश कब मानी गई? 1924 में। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग करके प्रस्तुत किया गया। क्लियर है? तो पहला पृथक रेल बजट कब आया? 1924-25 में। किसकी सिफारिश पर? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। ईसी बनता है ना एकवर्थ, ECWORTH, एकवर्थ, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। इसके बाद आएगा लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन, सुना होगा गांधी इरविन समझौता इसी के टाइम में होगा। इसके समय कौन आएगा? साइमन कमीशन भारत में आएगा 1928 में, जिसका कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स, सारे सदस्य अंग्रेज होंगे। इसके सारे सदस्य अंग्रेज होंगे, जबकि ये भारत में आया था, भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भेजा गया था, तो भारतीयों को शामिल करना चाहिए था भाई। सारे सदस्य कौन होंगे? अंग्रेज होंगे, जिसका विरोध किया जाएगा। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें कहा गया था 10 साल बाद भेजा जाएगा भारत में, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रिस्पॉन्स, जिसको कहते हैं आप सुन, बर्ड, एक बर्ड यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने के लिए 10 साल बाद बोला गया था। मतलब 1929 में आना था, लेकिन एक साल पहले ही भेज दिया जाएगा पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि अंग्रेज वहां पे ब्रिटेन में उस समय चुनाव होने थे, सारे अंग्रेज से विरोध किया गया। इनके बाद इसी साइमन कमीशन के विरोध के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसको नाम होता है, जिसका नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। कब? 1928। और इसके नेहरू रिपोर्ट में इसके चेयरमैन कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर इसके अध्यक्ष थे, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला, इसी इरविन के टाइम में लाहौर में जो सहायक पुलिस अधीक्षक है सैंडर्स, उसकी हत्या होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय जी लाहौर में आंदोलन कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इस अधिकारी ने, इसकी पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, हत्या हो गई थी, मतलब लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए थे अंग्रेजी पुलिस की, क्रूर पुलिस की लाठियां खाते हुए। तो इसका बदला लेने के लिए फिर क्या किया जाएगा? उस अंग्रेज अधिकारी की फिर हत्या की जाएगी, जिसका नाम था सैंडर्स। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट किया जाएगा। क्लियर है? भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी, भगत सिंह जी और अन्य हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए क्या करेंगे? दिल्ली में असेंबली में क्या करेंगे? बम फेंकेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। आपने देखा होगा, वो मूवी भी देखी होगी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस लाद दिया जाएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बना दिया जाएगा हमारे क्रांतिकारियों पे, और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपने सुना होगा फांसी की सजा दी जाएगी, भगत सिंह जी को फांसी दी जाएगी, है ना, सुना होगा आपने। इसी समय जतिन दास जी की, जो हमारे क्रांतिकारी थे, 1929 में मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, शहीद हो जाएंगे वो लड़ते हुए अंग्रेजों से। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 का लाहौर अधिवेशन कहाँ हो रहा है? लाहौर में। एनुअल सेशन था, हर साल होता था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक प्रस्ताव पारित होगा पूर्ण स्वराज का, पहली बार कंप्लीट स्वराज, है ना, स्वराज मतलब हमारा सरकार, हमारा राज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जनता, जनता का शासन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात होगी, और अंग्रेजों को बोला जाएगा आपको अब यहां से जाना होगा, पूरी तरीके से देश को हमारे छोड़ के जाना होगा। मतलब यहां कहा जाता है कि भैया उसके बाद
इस प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन हो गया। 26 जनवरी 1930 को कौन, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी भारत में भारत का तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी रिवर ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर तिरंगा फहराया और भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा की 26 जनवरी 1930 को। यह प्रस्ताव पास होने के बाद स्वराज का, इसीलिए आप देखोगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन वेट किया गया था इस दिन का 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद तिरंगा फहराया था। और 26 जनवरी का दिन भारत में उस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया। अगला, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर 1929 की स्थापना की जाएगी, ICAR जो आज के टाइम में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। और विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी जाएगी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष, इसको कहते हैं शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट कब आया, 1929 में आया शारदा एक्ट। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होगा आपको पता है, और गांधी जी दाढ़ी यात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले होगा गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी जी अपनी मांगे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये जो इरविन होगा वायसराय ये समझौते को मानेगा नहीं। 1930 में शायद होता है गांधी इरविन समझौता, ये मानेगा नहीं। तो फिर गांधी जी फिर क्या शुरू कर देंगे, जब इनके इस समझौते की जो टर्म एंड कंडीशन थी जिसको एक्सेप्ट तो किया था लेकिन लागू नहीं किया अंग्रेजों ने वायसराय ने, तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे गांधी जी, और फिर दांडी मार्च शुरू करेंगे, दांडी यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन होगा 1930 में, कांग्रेस उसका बहिष्कार करेगी, वाइकआउट करेगी, नहीं जाएगी। गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे होगी, लंदन में, तीन हुए और इन तीनों में ये डिस्कस किया जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, जो वो अंग्रेज सदस्य आए थे साइमन कमीशन के, उन्होंने प्रस्तुत की जाके। और इसी तीन में कितने होंगे गोलमेज सम्मेलन, 1930 में होगा, फिर 1931-32 में होंगे, टोटल कितने होंगे तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा किसका, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे चीजें करेक्ट करना है, ये जो मैंने गांधी इरविन समझौता लिखा है ये बाद में होगा, पहले सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होगा, दांडी यात्रा आरंभ की जाएगी, और उसके बाद जो समझौता होगा इरविन और गांधी के बीच में 1931 में गांधी इरविन समझौता होगा। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस एग्री हो जाएगी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन में। क्लियर है? तो पहले होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको करेक्ट करना, उसके बाद दांडी यात्रा शुरू करेंगे गांधी जी, और उसके बाद इरविन समझौता करेगा, गांधी इरविन समझौता होगा 1931 में। उससे पहले ही 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चूंकि गांधी इरविन समझौता हो चुका है तो फिर कांग्रेस शामिल होने के लिए एग्री हो जाएगी। इसके बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन 1931-36, इसके टाइम में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी 1931 में, और थर्ड भी इसी के टाइम में होगी 1932 में। क्लियर है? और इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन गए, गांधी जी भाग लेने गए थे। क्लियर है? और इसी के टाइम में 1932 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था, क्या नाम था, रैमसे मैकडोनाल्ड, वो क्या करेगा, एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करेगा, कम्युनल अवार्ड कहते हैं जिसे, कम्युनल आर्बिट्रेशन ना कहके मैं यहां पर इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं। कब आया, 1932 में, कौन लाया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या था, क्या
देखो अभी तक अंग्रेजों ने एक तो था, एक कानून आया 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, और एक आया 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन दोनों में क्या करेंगे, ये भारत में धर्म के आधार पर भारत में डिवाइड एंड रूल करेंगे। 1909 में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को दे दिया जाएगा क्या सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको आगे बढ़ाएंगे अंग्रेज 1919 में। सिखों को दे देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में, ईसाइयों को दे देंगे, एंग्लो इंडियंस को दे देंगे, यूरोपियंस को दे देंगे। अब अंग्रेजों ने यहां पे दो पॉलिसी 1919 में और 1909 में लाके रिलीजियस बेसिस पे, धार्मिक आधार पे भारत में डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया, बांटो और राज करो की नीति, इसको और आगे बढ़ाएंगे। और अब ये जो डिवाइड एंड रूल करेंगे वो जातिगत आधार पे करने लगेंगे। तो उनका पर्पज था कि अब अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे, धर्म के आधार पे देश को बांट रहे थे हमारे, अब वो आगे बढ़ जाते हैं कम्युनल अवार्ड में 1932 में, वो जातिगत आधार पे डिवाइड एंड रूल करने लगते हैं। मतलब कम्युनल अवार्ड में 1932 में ये प्रोविजन था कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दिया जाएगा, जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। मतलब जातिगत आधार पे भी अब अंग्रेज क्या करने लगेंगे, डिवाइड एंड रूल करने लगेंगे, जिसका कांग्रेस के द्वारा और गांधी जी के द्वारा बहुत तीव्र विरोध किया जाएगा। और इसके बाद आपको पता होगा इस कम्युनल अवार्ड के अनाउंस होने के बाद गांधी जी बहुत जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे अरबदा जेल में, और वहां पर फिर आपने सुना होगा गांधी अंबेडकर समझौता होगा, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। क्लियर है? ये देखो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में होगा, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होगा। जिसमें अंबेडकर जी एग्री हो जाएंगे कि ये जो जातिगत आधार पर जो अंग्रेज बांटने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम मानेंगे नहीं। क्लियर है? मतलब दलितों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेज दे रहे थे उसको अंबेडकर जी, गांधी जी सहमत हो जाएंगे कि ये सही नहीं है, भारत को जातिगत आधार पर अंग्रेज बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अंबेडकर जी इस बात को लेकर एग्री करा लेंगे गांधी जी को कि जो असेंबली है, मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें एससी और एसटी के समुदाय के लोगों को क्या दिया जाए, असेंबली सीट्स में, विधानसभा में जो चुनाव होते हैं आज के टाइम में, एमपी के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, और स्टेट असेंबली के राज्य विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, वहां पे एससी और एसटी को क्या है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है। वो समझौता कहां पे है, ये पूना पैक्ट में आएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। इसके बाद थर्ड गोल में सम्मेलन मैंने पहले लिख दिया, और इसके बाद आएगा इसी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस थे, जिसमें एक आरबीआई बनेगा, एक फेडरल कोर्ट बनेगा जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो आज के टाइम में, एक फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, भारत संघ बनाया जाएगा। इसी में कहा गया था कि 1935 के अधिनियम में कहा गया था कि जो बर्मा है, जो म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया जाएगा। और कब कर दिया गया, 1937 में कर दिया गया। इसी के समय 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जी और जेपी नारायण जी, जो कांग्रेस में ही शामिल, कांग्रेस के ही सदस्य थे, ये कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करेंगे। क्लियर है? किसके टाइम में, लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम में। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है लॉर्ड लिथिनगो, लिन लिथगो, 1936 से 1944 के बीच में रहेगा, ये बिलिंगटन के बाद आएगा। इसी के टाइम पे क्या होगा, प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे 1936 से 37 में। इनका प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया था 1935 में, 36-37 में चुनाव होंगे। और 11 जो राज्य थे उनमें से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी इसमें। क्लियर? जिसमें 6 में तो बहुमत से बनेगी और 2 में दूसरे छोटे दलों के गठबंधन से, अलायंस से बनेगी, सपोर्ट से बनेगी। इसी के समय में 1939 में क्या शुरू हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कब तक रहेगा, देखो आप 44 तक रहेगा, लेकिन 1939 में कांग्रेस की ये जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस में बनी, 8 प्रोविंसेस में बनी थी, वो त्यागपत्र देंगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और अंग्रेज लगातार प्रेशर कर रहे हैं कि भैया
भारत के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब यहाँ पे जो आंदोलन कर रही कांग्रेस और अन्य दल हैं, वो अंग्रेजों का साथ दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे अंग्रेज, ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि भारत की सारी जनता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। और आपको पता है 1942 में इसी को देखते हुए हमारे देश में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा शुरू कर दिया जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। अगला, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होगा, हरिपुरा का अधिवेशन सेशन होगा 1938 में, ध्यान रखना है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ध्यान रखना है, हरिपुरा पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। इसके बाद अगला त्रिपुरी में होगा, अगला सेशन त्रिपुरी में होगा, त्रिपुरी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी क्राइसिस में तो क्या होगा, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे एक साल के लिए सुभाष चंद्र बोस जी, अगले साल त्रिपुरी में होगा ये कांग्रेस का। त्रिपुरी क्राइसिस क्या है, त्रिपुरी जगह का नाम है जहां पर अधिवेशन हो रहा है, एनुअल सेशन हो रहा है कांग्रेस का। अब एक नया अध्यक्ष चुना जाना है, जो पुराने अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी वो एक कैंडिडेट है, और गांधी जी के कैंडिडेट है यहाँ पे कौन, पट्टाभी सीतारमैया जी। चुनाव होगा तो गांधी जी के कैंडिडेट हार जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाएंगे, गांधी जी इससे नाराज हो जाएंगे, तो गांधी जी का मान सम्मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी क्या करेंगे, त्यागपत्र दे देंगे। कांग्रेस में एक प्रकार से अंतर कलह सामने आ जाएगी, जिसको कहते हैं त्रिपुरी क्राइसिस। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। और आपको पता है इसके बाद आजाद हिंद फौज INA का गठन करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद 1944 में इसी के टाइम पे मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होगा, और पहली बार मुस्लिम लीग 1940 में क्या करेगा, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करेगा यहां पर, क्लियर। 1941 में मैंने बताया आजाद हिंद फौज की स्थापना हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आज 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज भारतीय जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या भेजेंगे, अगस्त प्रस्ताव भेजेंगे, अगस्त प्रपोजल भेजेंगे। कब आया, 1940 में, जिसे कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला, गांधी जी पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू करेंगे, क्लियर है। इसके बाद दूसरा मिशन भेजेंगे अंग्रेज, क्रिप्स मिशन, कब आया, 1942 में। चेयरमैन थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, चेयरमैन कौन थे इसके, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक ही व्यक्ति आया था भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, भारत की सरकार, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर की संभावनाओं को देखने के लिए। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू कर दिया जाएगा भारत के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। मुस्लिम लीग का अगला अधिवेशन कराची का होगा 1943 में, और यहां पे वो नारा देंगे क्या, बांटो और छोड़ो, मतलब मुस्लिम लीग लगातार जिन्ना के नेतृत्व में क्या कर रहा था, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था, और अब वो नारा दे देंगे कि भैया अलग पाकिस्तान बना दो और देश छोड़ के चले जाओ अंग्रेज, मतलब मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में अलग पाकिस्तान की मांग करेगा। तो वो कराची में पहले प्रोजेक्टेड कौन से उसमें हुआ, जो हमने देखा अभी लाहौर अधिवेशन में पहली बार, और इसके बाद मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में ये नारा दिया 1943 के कराची के अधिवेशन में। उसके बाद लॉर्ड वेवल आएगा 1944-47 के बीच। इसी के समय में सीआर फार्मूला आएगा, सीआर फार्मूला मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री चक्रवर्ती टी राजगोपालाचारी जी इस फार्मूले को प्रस्तुत करेंगे 1944 में, और 1944 में गांधी जी की जिन्ना के साथ में टॉक होगी लेकिन वो फेल हो जाएगी। इसके बाद वेवल प्लान आएगा, वेवल इस समय वायसराय होगा, और 1945 में फिर शिमला का सम्मेलन होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है लॉर्ड वेवल का 47 तक है, तो 45 में इसी के समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1946 में भारत में पावर ट्रांसफर करने और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आएगा, क्लियर है।
कौन सा मिशन वापस आएगा? कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाएगा, जो तीन मेंबर्स का मिशन था, जिसमें एक तो वो क्रिप्स मिशन 1942 में जो भेजा गया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स होगा, ए बी एलेक्जेंडर एक व्यक्ति होगा और एक पैथिक लॉरेंस होगा, ये तीन लोग होंगे कैबिनेट मिशन में। इसके बाद मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में और अपने आंदोलन को तेज कर देगा और डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगा 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद कांग्रेस द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट स्थापना हो जाएगी सितंबर 1946 में, चुनाव होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने जाएंगे और संविधान सभा के सदस्य चुनने के बाद उसी रेशियो में जो सीटें संविधान सभा के लिए जीती थी उसी रेशियो में मिनिस्ट्री मिल जाएंगी, इंटरिम गवर्नमेंट में इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। क्लियर है? इस सरकार के जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उस समय वायसराय उसका अध्यक्ष होगा और वाइस चेयरमैन नेहरू जी बनाए गए। और इसी के टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली, सुना होगा एटली का अनाउंसमेंट, एटली की घोषणा कब? 2 फरवरी 1947 को करेगा। और एटली की घोषणा क्या थी? कि भारत क्या होगा? एक स्वतंत्र देश होगा। ये उस समय के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा थी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा, बेवल के जाने के बाद 1947 से 1948 के बीच में रहेगा और ये लास्ट वायसराय होगा, अंतिम वायसराय होगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। क्लियर? तो अब वायसराय का पद फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा और लास्ट वायसराय होगा। इसने वाल्कन प्लान इसी ने प्रपोज किया बट इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। इस बाल्कन प्लान को डिकी वर्ड प्लान भी कहते हैं क्योंकि इसका निकनेम था डिकी वर्ड, इसको एस्मा प्लान भी कहते हैं। अंग्रेजों का इस बाल्कन प्लान के जरिए पर्पस था बाल्कनाइजेशन करना, बाल्कनीकरण करना इंडिया का। मतलब अंग्रेजों ने एक ऐसी साजिश रची थी कि आजादी तो देंगे लेकिन भारत को अंग्रेज बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि भैया जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी, जो राजा रजवाड़े होंगे, 550 से ज़्यादा देसी रियासतें थी भारत में, वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहे तो स्वतंत्र रह लें। इसको कहते हैं प्लान ऑफ वाल्कनाइजेशन ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों का भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्लान था ये अंग्रेजों का, जिसे बाल्कन प्लान कहते हैं, जिसको कांग्रेस ने, और उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में सरदार पटेल साहब गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजेक्ट किया इसको। और फिर होम मिनिस्टर जो हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे जो सरदार पटेल साहब, और उनके होम सेक्रेटरी बीपी मेनन साहब लग गए किस बात में? इंटीग्रेट करने में इंडिया को। और उन्होंने सारी देसी रियासतों को भारत में क्या कराया? विलय कराया। तो 15 अगस्त 1947 तक भारत की सारी देसी रियासतें लगभग विलय हो चुकी थी, केवल तीन बची थी, उसका नाम था तीन रियासतों का जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात में और हैदराबाद तेलंगाना की जो कैपिटल है। ये तीन देसी रियासतें बची जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद शामिल हुई, बाकी सारी देसी रियासतों को सरदार पटेल साहब ने और बीपी मेनन साहब ने भारत में शामिल करा दिया। क्लियर? 14 अगस्त को पाकिस्तान देश बन जाता है और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। उसका रीजन है, देखिए भारत का, चूंकि भारत पाकिस्तान से ईस्ट में है, पूरब में है, तो भारत का जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया मैंने। और पाकिस्तान के टाइम जोन और भारत के टाइम जोन में आधे घंटे का डिफरेंस है, 30 मिनट का अंतर है। मतलब भारत में अगर दिन के 2 बज रहे होते हैं तो पाकिस्तान में 1:30 बज रहा होता है। भारत का टाइम पाकिस्तान से आधा घंटे आगे। आजादी अनाउंस की जाती है 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे भारत में,
12 एएम, उस समय भारत में 12 बज रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में उस समय 14 अगस्त को, पाकिस्तान में 14 अगस्त थी और इस समय बज रहे थे क्या 11:30 रात के, इसलिए एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद होता है 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाता है। इसी के समय गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाएगी। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके बाद ये चला जाएगा तो फिर कौन आएगा? माउंटबेटन जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जो इंडियन थे, कांग्रेस के लीडर थे। 21 जून 1948 को भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे और कब तक रहेंगे? 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत का संविधान लागू होगा और भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बन जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी को ये 24 एक्चुअल देखा जाए तो 24 जनवरी कह सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी को ही चुनाव हो चुके थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने इलेक्ट कर लिया था, निर्वाचित कर लिया था भारत का राष्ट्रपति। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस टाइम पीरियड में, तो ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि इससे पहले जो पहला था वो अंग्रेज था, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। रॉलेट एक्ट जब आया उस समय कौन वायसराय था? तो आपको पता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्लियर है? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ। अगला क्वेश्चन, बेबल प्लान। बेबल प्लान बेबल के, लॉर्ड बेबल के समय में आया। इसने जो प्लान था, इसमें यह पॉइंट था कि सभी भारतीयों से निर्मित होगी इंटरिम परिषद, इंटरिम काउंसिल नहीं। इसमें बोला गया था कि एक तो जो चीफ होगा, अध्यक्ष होगा, वो गवर्नर जनरल होगा, जो वायसराय उस समय तक बोला जाता था, अंग्रेजी था, और एक दूसरा होगा कमांडर इन चीफ, ये भी अंग्रेज होगा, ये दोनों अंग्रेज रहेंगे, एक सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, एक प्रशासनिक सबसे बड़ा अधिकारी, बाकी सारे इंडियन रहेंगे, तो सभी भारतीय शामिल होंगे ऐसा नहीं था। दूसरा, परिषद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, ये ठीक था इस प्लान में। तीसरा, ये जो परिषद है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत काम करेगी, ये भी ठीक था। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3 आंसर हो गया। बेबल प्लान जो लॉर्ड बेबल के समय में आया। अगला, किसने ये अनाउंस किया कि भैया दो नेशन होंगे, दो स्टेट्स होंगे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, ठीक है, और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर स्टेट होगा, और पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा। ये अनाउंस कर रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन अनाउंस कर रहा है? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। कांग्रेस का त्रिपुरी क्राइसिस आपको पता है 1939 में, सुभाष चंद्र बोस जी वर्सेज गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया जी। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था 1939 में? तो कौन था? लॉर्ड लिथगो। भैया आप देख सकते हो, हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी क्राइसिस, और ये टाइम कब तक रहा? 44 तक रहा ये। नेक्स्ट, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो कौन बन चुका था? तो आपको पता है लॉर्ड बेबल था। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का किस वायसराय ने 1943 का बंगाल अकाल, बंगाल में जो फेमाइन पड़ा उसके बाद रिलीफ के लिए, सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया था आर्मी को, तो उस समय कौन था भैया? 44 तक कौन रहेगा? लॉर्ड लिन लिथगो। सांप्रदायिक पंचाट कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देगा, अनाउंस करेगा 1932, कौन सा? रैमसे मैकडोनाल्ड। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अभी हमने पढ़ा सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला
ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय कह सकते हैं, और पहला गवर्नर जनरल है ना, यहां पे करेक्ट करना, अंतिम वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था भैया? लॉर्ड माउंटबेटन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया, इसमें जो लीडर था इसका। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय भैया बताओ, तो यहूदी वायसराय किसके किसको लिखा गया है? रीडिंग को देख सकते हैं आप, इरविन से पहले आया था रीडिंग, एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। तो आंसर हो गया लॉर्ड रीडिंग। साइमन कमीशन जब भारत आया तो इस समय वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कौन है भैया, रीडिंग या इरविन? आप इसमें देख सकते हैं, लॉर्ड इरविन हो चुका है, 1926 में आ चुका है, लॉर्ड रीडिंग इससे पहले था, तो यहां पे कौन आ गया? अब लॉर्ड रीडिंग आ गया है। लॉर्ड इरविन था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो था, ये पढ़ चुके हैं हम। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, तो प्रोविंसेस में द्वैत शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट में पॉलिटी में मैंने पढ़ाया 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो वायसराय देंगे तो कौन है? मॉन्टेग्यू भारत सचिव है, स्टेट सेक्रेटरी टू इंडिया है, और चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन है? तो वायसराय ही है। अगर व्यक्ति का नाम लिखा जाए तो फादर ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, उसका नाम है लियोनल कार्टिस, जिसने ये प्रस्ताव तैयार किया था, जिसने ये योजना तैयार की थी, उसका नाम है क्या? लियोनल कार्टिस, ध्यान रखना है। लेकिन वायसराय पूछे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन हमने जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, लगभग 14-15 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए, अलग अलग इवेंट्स डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से हमने पूरा वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे इवेंट्स को डिस्कस कर लिया, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से जो गवर्नर जनरल और वायसराय के टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो आप अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है अगर आपके पास, तो आप इन चीज़ों को आसानी से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो ये हमने पूरा एक चैप्टर खत्म कर लिया हिस्ट्री का, गवर्नर जनरल एंड वायसरायस ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इंसिडेंट्स विच हैपेंड इन द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपने इसको क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए हमारी जीएसजी के सीरीज के, शॉर्ट वीडियो सीरीज के साथ, जिसमें हम इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, हिस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड नए नए टॉपिक्स को लाते रहेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को हमारे आरबी रिवोल्यूशन बाई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, और जीएस को स्ट्रॉन्ग, इसी प्रकार से हम करंट अफेयर भी देते हैं हर महीने आपको। अभी हमने 12 महीने की कंपाइलेशन, पूरी 2023 की कंपाइलेशन वीडियो डाली, इसमें लगभग हमने 800 से 900 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लगभग 600 क्वेश्चंस को पीपीटी में लिखे हुए हैं, प्लस 300 से 400 क्वेश्चंस मैंने उस पर ऐड किए हैं पीपीटी पे, तो वो आप देख सकते हो। हम सारी जीएस को, करंट हो चाहे स्टैटिक हो, आरबी आपका आपके साथ है, आपके जीएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगातार वीडियो ला रहा है। आपसे उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन रहेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट होंगे और अच्छी वीडियोस को आपको लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए।